आप लोगों की आज जो मुलाकात है वो विज जी से करवाते हैं जिन्होंने इस साल 2022 का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें सेवेंटी फर्स्ट रैंक अवेल की है विच गोयल सरप्राइजिंग बात यह है कि इनके ग्रुप में जितने भी लोग थे वो इस बार सब के सब सेलेक्ट हो गए मैंने बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि आपके साथ ग्रुप के कितने लोग सेलेक्ट हो गए दो चार छः दस उन्होंने कहा पंद्रह विच ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं लास्ट ईयर यू में और यनम में अभी एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर पोस्टेड हैं एट द सेम टाइम उन्हें यू पी के रिज़ल्ट में नाइनटीन्थ रैंक भी अवेल हुई है तो बहुत ही बेहतरीन एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा है कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस रहा है उनका ओनली आई एस कम्युनिटी के बहुत ही पुराने मेंबर रहे हैं बहुत लंबे समय से कनेक्टेड रहे हैं उनकी पूरी की पूरी जो उनका पूरा ग्रुप है जो इस साल सेलेक्ट हुआ है वो लोग भी ओनली आइज से काफ़ी कनेक्टेड रहे हैं तो वी आर वेरी ऑनर्ड कि वो आज हमारे बीच में हैं और वो आपको गाइड कर सकते हैं उनके अर्ली अटैम्प्ट हैं जिसमें उन्हें सेलेक्शन मिला है तो बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स के दे सकते हैं तो इन्वाइट करते हैं द्विज जी को कि वो आएँ और आपको कुछ गाइडेंस दें आइए सबसे पहले तो द्विज जी को सब बहुत ही उनकी जो बेहतरीन सक्सेस है उसके लिए पीडब्ल्यू ओनली आई टीम की ओर से बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस उनकी बहुत ही ओवरवेलमिंग सक्सेस है इंस्पायरिंग है अभी तक हमने जो बात करी तो अब मैं जो माइक है वो द्विज जी को थमाता हूँ वो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे अपनी बातें जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे आपके दिमाग में कुछ होगा तो आप लोग उनसे पूछिएगा और जो भी क्वेरीज हैं वो आपकी एड्रेस कर देंगे ठीक है आई थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में सब लोग अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं राइट ग्रेट 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 तो हाउ इज द फीलिंग कि आप यहाँ पर बैठे हैं यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एंड प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे तो हाउ इज द फीलिंग unexpected uncertain i can say huh anyone how is the feeling excitement nervous yes ah exactly exactly a big clap for him uncertainty fear anxiety hopelessness this is what upss friend should go through <laughs> No. so uh, let's start uh, sir can i have first slide please yes so in 2024 you would be giving your first attempt so i would be uh, discussing some tips and some strategies which you can follow see uh, i would like to clarify here that uh, there are many topers and there are many strategies as many topers as many strategies so the thing you like about it you can take it

We'll see all these things okay in this session. Before I start my session, uh, do you guys have any query or any question specific to that which I can uh, focus on during my uh, this session? Any question? Thank you so much. Yes, anyone? Yes, ma'am. Acha okay. <laughs> okay. Anyone? Okay, Mirai third attempt. और लास्ट ईयर भी मैं सिलेक्टेड हूँ और अभी पाण्डिचेरी uh, में एज अ म्यूनसिपल कमिश्नर वर्किंग हूँ जी जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट नहीं हुए तो कैसी थी मतलब क्या फील हो रहा था आपको क्या आया फील फील अच्छा नहीं हो रहा था बट आई थिंक रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए मैंने अपनी जॉब के साथ अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था आई क्रैक फिल्म बस बट आई कुड नॉट मेक इन द मेन्स तो so, uh, मुझे लगा कि मेरे ऑप्शनल में और मेरी स्ट्रेटजी में थोड़ी कमी है और इम्प्रूव करने के एरियाज हैं तो मैंने अगली बार इम्प्रूव किया होपफुली मेरा हो गया एनी वन एल्स तो नेक्स्ट स्लाइड सर द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन सी देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन प्रस मेन्स एंड इंटरव्यू इफ आई पुट स्पेसिफिक फोकस ऑन प्रिलिम्स फर्स्ट

So, I will focus majorly on this part how to plan your studies. Uh, since you would be giving your attempt in 2024, so you are now having uh, approximately one year. When is the next prelims? Okay, okay. Exactly one year you are having now. Great, great. So, uh, we'll start how to prepare for it. Uh, first of all, you should focus on your prelims as well as your optional subject. because for now you are having a lot of time to focus on your optional subject. in next 3 months you should uh, cover everything about your optional and hopefully you can start answer writing also. 3 mahine aap pura apne mains pe focus apne optional pe focus किए और optional को जितना अच्छे से कर सकते हैं उतने अच्छे कीजिए. उसके बाद uh, I think अभी may uh, है, June, July, August, September

तो यू हैव टू प्रिपेयर सी सेट ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर जी एस ऑल्सो सो यू वुड बी रिक्वायरिंग एटलीस्ट फोर टू फाइव मंथ्स नाउ तो फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स यू वुड भी एंटायरली फोकसिंग ऑन योर प्रलम्स है ना दिसंबर के पहले आप अपना मेन्स आंसर राइटिंग और ऑप्शनल uh, जितना कर सकते हैं उतना ऑप्शनल कर लीजिए वैल्यू एडिशन जो करना है वो कर लीजिए और सिंस यू आर नाउ स्टार्टिंग तो आई थिंक एन सी आर टी सबर्ड है एन सी आर टी सब भी कवर्ड है भी नहीं कवर्ड है ना तो आप अगर जिनकी एनसीआर नहीं कवर्ड है वो अगले दो से तीन महीने में सारी एनसीआर कवर कीजिए पहले उसके बाद आपके पास मेन्स का एक बेस कॉन्टेंट होगा जिसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं थ्रू बुक्स जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जैसे कि लक्ष्मीकांत है और स्पेक्ट्रम है लेकिन उसके लिए एनसीआरटीज बेस फॉर्मुलेट करती हैं तो एनसीआरटीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए इवन प्रस में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीआरटीज से आते आ जाते हैं है ना लाइक टू ईयर्स बैक अशोका वाला क्वेश्चन आ गया था और भी बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं जो डायरेक्टली एन में मैंशनड होते हैं तो एन बिल्कुल मिस नहीं करनी है स्पेसिफिकली एलेवंथ और ट्वेल्थ क्लास की वो तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है है ना तो आप अपनी स्टडीज तरह से प्लान कर सकते हैं नाओ फोकस प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं विच इज़ स्टेप थ्री तो फोकस प्रिपरेशन में आप uh, अपना डे डिवाइड कर सकते हैं कि uh, एक चीज़ जो मैं अवॉइड करने को बोलूँगा वो कि आप एंटायर डे केवल एक सब्जेक्ट मत पढ़िए आपकी एफिशंसी डाउन होती है उससे तो ऐसा नहीं है कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सुबह से शाम तक सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं इट इज़ नॉट द राइट मैथड आप साइकोलॉजिकल स्टडी पढ़ेंगे या और भी एडवांस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इट इज़ नॉट द राइट मैथड टू हैव इफिशियंसी इन योर वर्क वी नीड डाइवर्सिटी तो एटलीस्ट दो सब्जेक्ट आप साथ में शुरू कीजिए एक हैवी वन और एक लाइटर वन तो जो आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है डे का फॉर एग्जाम्पल फॉर मी Uh, मैं सुबह छः आफ्टर माई मॉर्निंग वॉक मैं सुबह छः बजे से uh, सुबह नौ बजे तक जो मेरा तीन घंटा होता था वो मेरा बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता था तो जो सबसे टिपिकल सब्जेक्ट होता है मैं उसमें वो पढ़ लेता था ठीक है तो आप दो सब्जेक्ट कीजिए कि डे को की दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए हाँ, हाँ, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ़ में जो आपका सब्जेक्ट है लाइटर वन और हैवी वन विच विच एवर यू वॉन्ट टू तो चूज आप वो कीजिए सेकेंड हाफ में उसका अलग सब्जेक्ट और थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग सब्जेक्ट रखिए ताकि आपको इंटरेस्ट पूरे दिन थ्रू आउट द डे बना रहे है ना अगर हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो शाम को एफिशिएंसी ही नहीं आएगी पढ़ने में मन ही नहीं लग लगता है ना तो एटलीस्ट दो सब्जेक्ट साथ में शुरू कीजिए अलॉन्ग विद योर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स वो तो छोड़ना ही नहीं है वो तो मस्ट है ना उसको तो छोड़ना ही नहीं है वो तो करना ही करना है वो आ, और न्यूज़पेपर और करंट अफेयर आई वुड सजेस्ट कि सुबह उठते ही ना पढ़ें है ना तो क्योंकि क्या होता है कि हम सुबह उठते अगर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो हमें कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आ जाती है फिर पूरे दिन कुछ पढ़ने का मन नहीं करता तो आई वुड रिकमेंड कि दोपहर में या शाम में ही न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स यस येस हम्म आपको हर चीज़ हर एडिटोरियल रिटेन नहीं करना है आपको कुछ पढ़ना है उसके कुछ शॉर्ट नोट्स अगर आप ले सकते हैं कोई अच्छा पॉइंट है तो आपको वो ले लेने हैं आपको लिख लेने हैं बट एज सच आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप हर एडिटोरियल का अपने पास नोट्स बनाएं बिकॉज ऑलरेडी वो काम आपके लिए कोचिंग uh, मटेरियल्स कर देते हैं कोई भी आप कोचिंग मटेरियल उठाते हो तो वो मटेरियल में आपको मिल जाता है एडिटोरियल का uh, जो कंपाइलेशन होता है जो अच्छे पॉइंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं बट अगर आपको लग रहा है एडिटोरियल में कोई अच्छा पॉइंट है कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट है तो आप लेके अपने पास नोट कर सकते हैं बट एज सच उसको रिमेंबर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है है ना वो मल्टीपल डिविजन आप जब करते हैं अपने कॉन्टेंट का तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाता है आपकी कॉपी पे जब आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो एक साइकिलकल प्रोसेस होता है उसमें होता है क्या है कि जब आप जितना पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसका रिप्रोड्यूस उसको रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी आंसर राइटिंग में तो क्या होता है कि जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये रिप्रोड्यूस हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है कॉपी पे अगर फिर क्या होता है कि जब आप इस वाली स्टेज पे होते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा कौन, कौन सा कॉन्टेंट पढ़ना है अब कि जो एग्ज़ाम तक जा सकता है समझ रहे हो आप मेरी बात आपने कॉन्टेंट पढ़ा लेकिन वो पे, पेपर पे रिप्रोड्यूस नहीं हुआ तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मैं मेन्स परसपेक्टिव से बोल रहा हूँ नॉट फ्रॉम प्रसपेक्टिव आपको यहाँ पे जो आंसर राइटिंग करके रियलाइज हो गया uh, कि ये कुछ कॉन्टेंट ऐसा है जो पेपर पे जा ही नहीं रहा है उतना वर्दिड नहीं है तो आप फिर अगली बार जब पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ स्किप करनी है तो आपके आंसर राइटिंग से आपकी रीडिंग भी इंप्रूव होती है है ना बाकी देन स्टेप फोर इज टाइमली रिविजन रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स एज वेल एज मीन पर्स्पेक्टिव प्रिलिम्स में लक्ष्मीकांत है या स्पेक्ट्रम है मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी पड़ती है एग्जाम से पहले पाँच से छः बार तो आप करोगे ही करोगे कि आपने क्वालिटी uh, रिवाइज़ की उसके बाद आपने टेस्ट दिया टेस्ट में मार्क्स नहीं आए टेस्ट में कुछ कमियाँ रह गई यू विल गो थ्रू दैट और उसको रिवाइज करोगे और फिर से अटैम्प्ट करोगे तो मल्टीपल टाइम्स बुक्स रिवाइज करनी है आई हैव सीन कि लोग मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज कि एक क्वेश्चन किसी और बुक से आ गया था तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है सोर्सेज फिक्स रखने हैं लिमिटेड सोर्स जैसे कि मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम यूज़ की थी और पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत यूज़ की थी मार्केट में और भी बुक्स हैं तो सब में हाथ नहीं मानना है आप जो भी फॉलो करते हैं कोई भी एक कोई एक ही रखनी है और एन को नहीं भूलना है एन तो मस्ट हैं उसके ऊपर ये इन सब को करना है यस तो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन यू पी एस सी someone आई थिंक सम वन आस्ट अबाउट सिलेबस दैट सो आई वुड बी कवरिंग दैट वट how डिमांड्स एंड हाउ वी नीड टू कवर दैट तो इफ यू सी प्रम्स का सिलेबस बहुत क्लियरली मैंशनड है अगर मैं सब मैं प्रलिम्स मेन्स दोनों का डिस्कस करता हूँ प्रेलिम्स का सिलेबस बहुत क्लियरली मैंशनड है बट प्रम्स का सिलेबस बहुत डिटेल्ड मैंशन नहीं है तो दे कैन आस्क समथिंग विच इज़ नॉट मैंशन इन द सलेबस है ना या जो सिलेबस उन्होंने अगर फिल्म से मैंशन कर दिया है साइंस एंड टेक साइंस एंड टेक इज लिटरली एवरीथिंग तो उसका का, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रिलिम्स का डिफाइंड सिलेबस नहीं हैज़ अ डिफाइंड सिलेबस हमको उतना पढ़ना है जितना बाकी सब पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिशन रिलेटिव है उतना पढ़ना है जितना बाकी सब पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है

का छोटा नहीं होता है. का अगर आप, देखेंगे, आप उसको पॉइंट फाइव के डिफरेंस को नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है वहां की उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना कि डिफरेंस कितना होता है तो यू आर गोइंग फॉर देट पॉइंट फाइव परसेंट और वही सेम चीज यूपीएससी आपसे डिमांड करता है कि आप ऑर्डनरी स्टूडेंट हो आप एवरेज स्टूडेंट हो बस वो पॉइंट फाइव उसको एक्स्ट्रा चाहिए हर जगह ठीक है तो हम अपने को ये क्लियर रखना है कि हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं कर रहे हैं हम चीजें ऑर्डनरी करेंगे सिर्फ पॉइंट फाइव एक्स्ट्रा करेंगे है ना तो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ पहले तो प्रलिम्स का सिलेबस उसमें लिखा हुआ है बट बहुत वास्ट है की जो बुक लिस्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर है सबको मॉडर्न के लिए लग, आ, मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो की थी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो की थी जियोग्राफी के लिए इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास की एनसीआर और कुछ यूट्यूब वीडियोज देख लिए थे उसके अलावा मैंने साइंस एंड एंड टेक टेक के लिए साइंस साइंस क्योंकि मैं बैकग्राउंड से हूं तो मैंने उतना ज्यादा नहीं पढ़ा था बट आप कोई भी कोचिंग मटेरियल की आ, जो आ, लास्ट में कंपाइलेशन आता है ईयर कंपाइलेशन वो देख सकते हैं लेकिन उसके अलावा आप यूट्यूब पे खुद से सर्च करिए तो सर्च करके आपको ज्यादा चीज़ें पता चल जाएंगी स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी जहाँ से यूपीएससी आजकल काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बायरो की कुछ वीडियोज देखिए जैसे तो थ्री पेरेंट बेबी अभी लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा तो वो काफ़ी न्यूज़ में था काफ़ी यूट्यूब पे चल रहा था तो आप ऐसी चीज़ों पे थोड़ा टैब रखिए इन स्पाइट ऑफ वॉचिंग यूट्यूब शॉर्ट्स अगर ये थोड़ा देखेंगे तो फायदा होगा है ना बाकी पी वाई क्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज से आपको एक्चुअली सिलेबस का पता चलता है कि एक्चुअल सिलेबस क्या है क्योंकि यूपीएससी ने जो मेंशन किया है वो अगर हम देखें सौ के सौ क्वेश्चन अपने को प्रीलिम्स में नहीं करने हैं है ना अपने को सेवेंटी एट्टी नाइन्टी डिपेंडिंग ऑन वंस क्राइटेरिया क्या है उसके हिसाब से uh, हम लोग को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो पी वाई क्यू हमारा सिलेबस है फॉर प्रीलिम्स पी वाई क्यूज आर अवर सिलेबस जैसे कि अगर आप पी वाई क्यू में इकोनॉमी देखेंगे इकोनॉमी में फिक्स एरियाज हैं यूपीएससी के इन्फ्लेशन uh, कर, uh, करेंसी सर्कुलेशन ये क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो रहे हैं इवन लास्ट ईयर यूपीएससी ने पाँच से छः क्वेश्चन इकोनॉमी के रिपीट कर दिए अपने पेपर में अगर आपने पी वाई देखे हो तो आप देखना जो क्वेश्चन थे वो रिपीटेड थे लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन से इवन लैंग्वेज भी डिफरेंट नहीं थी सेम लैंग्वेज थी तो पी वाई क्यूज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पी वाई क्यूज ही हमारा सिलेबस है साइंस एंड टेक में स्पेसिफिकली पी वाई क्यूज रिपीट होते हैं इवन जो ऑप्शनस हैं उन ऑप्शन का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी रिपीट हो जाता है अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूँ प्रम्स में तो डुगोंग डुगोंग सी सी एम है और तो डुगोंग यू दो तीन बार पूछ चुकी है अलग अलग तरीके से पूछ चुकी है है ना तो अपने को ध्यान रखना है कि पी ही हमारा सिलेबस है और पी को मिस नहीं करना है और हमने को ध्यान रखना है कि यूपीएससी किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है जैनिज्म बुद्धिज्म यूपीएससी का फेवरेट एरिया है पूछने का हर दूसरे साल जैनिज्म बुद्धिज्म के क्वेश्चंस होते हैं

और दो ऑप्शनल के पेपर हैं तो ऑप्शनल तो आप सबका डिफरेंट होगा बाकी एस वो एस का मैं अभी नहीं बताता हूँ मैं अभी जीएस डिस्कस कर लेता हूँ जीएस के चार पेपर हैं जी एस वन जी एस टू जी थ्री जी फोर जी वन उसमें जोग्रफी है जोग्रफी जो आप प्रिलिम्स के लिए पढ़ोगे वही जो सेम जोग्रफ़ी वहाँ पर भी काम आएगी मेंस में भी और मॉडर्न हिस्ट्री भी सेम है जो आप प्रिलिम्स के लिए पढ़ोगे वही मॉडर्न हिस्ट्री मेन्स में भी काम आएगी और सेम आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर जो आप फिल्म्स के लिए पढ़ोगे वही मेन्स में काम आएगा और पेपर बन में उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा वो होगा वर्ड हिस्ट्री वर्ड हिस्ट्री आप कोई भी कोचिंग uh, मटेरियल का वैल्यू एडिशन मटेरियल ले सकते हैं और उससे कवर कर सकते हैं लेकिन उसको बहुत डेप्थ में नहीं करना है मैंने पर्सनली uh, श्रेयांश कुमार सर हैं ऑल इंडिया रैंक फोर्थ था उनका लास्ट टू लास्ट ईयर तो मैंने उनके वर्ड हिस्ट्री के नोट्स रिकमें फॉलो किए थे तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप उनके नोट्स फॉलो कर सकते हैं उनके नोट बहुत कॉम्प्रेंसिव है और उन्होंने बहुत हिस्ट्री काफी अच्छे से कवर किया है विद इन ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी फोर पेजेस आप वो देख देख सकते हैं उसके अलावा जी एस वन में शोशो है सोशलॉजी सोसाइटी सॉरी सोसाइटी एंड सोशल इशूज श्रेयांश कुमार ऑल इंडिया रैंक फोर आप ही सर्च कर लेंगे आपको इनके नोट्स इजिली मिल जाएंगे इजिली अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे भी और आ, बाकी चैनल्स पे भी आप देख सकते हैं वर्ड हिस्ट्री के लिए देन आई विल डिस्कस अबाउट दिस इज फॉर वर्ड हिस्ट्री सोसाइटी देर इज वन एनसीआरटी ऑफ क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ विच इज़ डेडिकेटेड ट्रू दिस सोसाइटी एंड सोशल इशूज़ आप पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो एन सी पढ़ेंगे वो एनसीआर बहुत अच्छी है और उसमें नियरली सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं उसके बाद आप कोई भी वैल्यू एडिशन मटेरियल जो होता है किसी भी कोचिंग का उठा के आप उस वैल्यू एडिशन मटेरियल से आ, उसमें वैल्यू एडिशन कर लेंगे अपने सोसाइटी और सोशल इश्यूज में सोसाइटी और सोशल इश्यूज के लिए ना टॉपिक्स बहुत क्लियरली मैंशनड हैं जैसे सेक्युलरिज्म रीजनलिज्म सेम वो थीम वाइज टॉपिक है और वो हर साल रिपीट हो जाते हैं यूपीएससी रीजनलिज्म हर दूसरे तीसरे साल पूछता है हर एक दो साल बाद सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन आ जाता है और वो आप देखोगे पी वाई क्यूज में सब मैंशनड है वो थीम है पूरा वो थीम ही रिपीट होता रहता है तो आपको वो ध्यान रखना है और सोसाइटी की प्रिप्रेशन में क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स हैं सोसाइटी और सोशल इशूज जैसे कि वीमेन है रिलेटेड इशूज़ हैं या अनएम्प्लॉयमेंट एक टॉपिक है है ना तो आपको सबके एक दो पेज के नोट्स बना लेने है ना अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या क्यों है क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या है, स्कीम्स हैं और आ, क्या डेटा है तो आपके पास इस टॉपिक के रिगार्डिंग चार चीजें हो गई डेटा क्या डेटा है ठीक है ठीक है क्या रीजंस हैं हाउ टू ओवरकम इट वट इज गवर्नमेंट डूइंग गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए है ना उसके बाद वे फॉरवर्ड दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आई हैव सीन मैंने कुछ टाइम मेन्स uh, uh, जो लोग लिखते हैं उनकी कॉपीज भी चेक करी हैं एज एन इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर तो आई हैव सीन दैट जो ये वे फॉरवर्ड है ये काफी लोग मिस करते हैं और जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट फाइव ये पॉइंट फाइव यही है बिकॉज दिस डिमांड्स योर आइडिया एंड योर क्रिएटिविटी बाकी सब लिखेंगे डेटा सबके पास है सब सेम मटेरियल पढ़ रहे हैं रीजन सब पढ़ रहे हैं ओवरकम कैसे करना है गवर्नमेंट ये सब लिखेंगे लेकिन आप कहाँ डिफरेंस क्रिएट करोगे और जब वे फॉरवर्ड लिखोगे आप अपना वे फॉरवर्ड को अपना कंक्लूजन बना सकते हो कि दिस कैन बी डन दिस वो एक न्यू चीज होगी वो एग्जामिनर को इंप्रेस करेगी कि हाँ आप कुछ नया सोच रहे हो आप कुछ नया ला रहे हो जो बाकी बच्चों ने नहीं लिखा है ये का डिफरेंस आपको बाद में पता चलेगा जब जीएस uh, तो तो वन मैंने कवर कर दिया वर्ल्ड हिस्ट्री सोसाइटी जोग्राफी और uh, उसके अलावा हिस्ट्री कवर हो चुकी है आर्ट एंड कल्चर कवर हो चुका है और वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो चुकी है इसकेट जीएस टू एस टू को कैसे प्रिपेयर करना है तो जीएसटू में तीन पार्ट्स हैं क्वालिटी गवर्नेंसर है ना ये तीन आ, अगर आपने सिलेबस देखा हो आप आप सिलेबस एक बार ध्यान से देखना मेंस में सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो एक एक वर्ड मैंशनड है उसका आपके पास नोट्स उसके उसका आपके पास नोट होना चाहिए जो भी वर्ड मैंशनड है उसका आपके पास एक दो पेज का नोट होना ही चाहिए मेंस में बिकॉज़ आप जब रिवाइज करोगे तो कंटेंट वही फॉर्म होगा आप रेंडम कहीं से भी कंटेंट लेके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते एग्जामिनेशन हॉल में स्पेशली व्हेन आपको सुबह शाम रेगुलर पेपर लिखने होते हैं है ना तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें अपने वैल्यू एडिशन मटेरियल को याद रखें और उसको रिप्रोड्यूस करें एग्ज़ाम में तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट क्वालिटी तो अबाउट क्वालिटी मेजरली लक्ष्मीकांत तो प्राइमरी रहता ही है जो सब हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं ठीक है इसके अलावा आप जो कोई भी कोचिंग का एक वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है जिसमें आपको लैंडमार्क uh, जजमेंट्स Uh, मैंने इसके लिए uh, ये लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने ओनली आई एस के बुकलेट से किए थे uh, जो इनके एक बुकलेट है उसमें काफ़ी अच्छे से लैंडमार्क जजमेंट्स मैंशनड हैं और इस बार अगर आप हम इस बार का मेंस देखें तो इस बार के मेंस में स्पेसिफिकली तीन क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे जहां पर यूपीएससी ने पूछा था कि आपको केसेस भी मेंशन करने हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन ही था जहां पर एनवायरमेंट uh, के केसेस मेंशन करने थे कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या रूलिंग्स हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंट एम सी मेहता केस गोदावर्मन केस ये सब में, ये सब मैंशन करना था तो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लैंडमार्क जजमेंट्स वो अच्छे से करें कि क्या क्या जजमेंट्स रहे हैं क्यों हुए हैं और वो आपको मेन से मैंशन करना पड़ेगा तभी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे है ना उसके अलावा आ, आप इसमें आ, कोई आ, जैसे मैंने बोला वैल्यू एडिशन मटेरियल में थोड़ा सा आपको और एडिशनल पॉलिटी में जाना पड़ेगा पी वाई क्यूज देखने पड़ेंगे जैसे अगर आप पी वाई क्यूज में देखेंगे तो उसमें चीजें मेंशन है सेपरेशन ऑफ पावर है ना डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ठीक है तो आ, ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है बेसिक लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा उसके लिए कुछ एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ आपको कॉन्टेंट में हेल्प करेगा कोई भी वैल्यू एडिशन आप उठा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी के पूछने के एरियाज क्या हैं सेपरेशन ऑफ पावर डिवीजन ऑफ पावर फेडरलिज्म ये सब यूपीएससी के पूछने के एरियाज हैं और वो मेंस के सिलेबस में मेंशन है एज इट इज फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशन सब मेंशन है तो आपको उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेना किसी भी वैल्यू एडिशन मटेरियल से कोई बुक नहीं पढ़नी है बुक सेम ही रहेगी लक्ष्मीकांत सिर्फ कोई भी वैल्यू एडिशन मटेरियल उठा लेंगे तो आपको ईजीली मिल जाएगा ठीक है नॉल टॉक अबाउट गवर्नेंस पॉलिटी क्लियर है सभी को कुछ डाउट है किसी को सॉरी मैं डाउट कुछ ना भूल गया किसी को डाउट है पॉलिटी में कैसे कवर करना है सिलेबस मेंस का बहुत क्लियर है बहुत स्पेसिफिक है सेंटर सेट रिलेशन ठीक है हर हर किसी के नोट्स बना ना लेने है, हर किसी को कॉम्प्रेहेंसिवली कवर कर लेना है उसके बाद पी वाई क्यूज अटैम्प्ट करने है और उन एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है दैट सेट अच्छा किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि आ, मैं बहुत सुपरफिशियल ऐसा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ नॉर्मली है ना डुएबल है ना है ना इजी है कोई बात नहीं इजी है है ना नहीं आप अच्छे से करोगे कंसिस्टेंटली एफर्ट करोगे डेली पढ़ाई करोगे तो आ, ऐसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है एज आई मैंशन कि ऑर्डनरी थिंग है ऑर्डनरी लोग करते हैं ओबिस पॉइंट फाइव एक्स्ट्रा कर देना है ऑल विल बी सेट है ठीक है ओके okay. अब मैं गवर्नेंस की बात करता हूँ तो गवर्नेंस का सिलेबस भी मेंशन है मैं एनजीओ है सेल्फ हेल्प ग्रुप है आप देखोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन ने मल्टीपल टाइम्स पूछा है हर दूसरे साल सेल्फ हेल्प ग्रुप पूछ पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं हैं एनजीओ गवर्नेंस का सिलेबस है सिटीजन चार्टर है है ना तो ये सब uh, गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं तो गवर्नेंस के टॉपिक क्या होता है कि अगेन दिस कोचिंग हेल्प्स दैट मीनस कोचिंग मटेरियल हेल्प्स नॉट कोचिंग कोचिंग मटेरियल हेल्प्स वैल्यू एडिशन मटेरियल है ना वैल्यू एडिशन मटेरियल किसी मैं आप किसी का भी उठा लीजिए कोई भी वैल्यू एडिशन मटेरियल जो आपको अच्छा लगता है जो आपको इजीली एक्सेसिबल है वो एडिशन मटेरियल से आप गवर्नेंस के जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर कर सकते हैं अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स कई बार ना बहुत अच्छा जो वैल्युडिशन मेटीरियल में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं तो वो आप अपने आंसर्स में कोड कर सकते हैं जैसे कि एस है मैं आपको बताता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप तो कुदुमश्री एक है केरला में ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है केरला में और ये बहुत फेमस है ना तो आप इनका वर्क मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल में जब आप एसएचजी का आंसर लिख रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप लिख रहे हैं तो आप इनका एग्जाम्पल केस स्टडी जरा मेंशन कर सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं उनको मेंशन कर सकते हैं जैसे कि मैं क्या करता था कभी कभी जैसे ये कुदुमश्री है तो मैं अपने आंसर्स में जैसे सपोज आई एम राइटिंग इट लाइक दैट इंट्रो मैंने यहाँ इंट्रो मेंशन किया बॉडी में कुछ कुछ लिखा सब हेडिंग के साथ मैं साइड में ऐसे केस स्टडी बना के छोटा सा लिख देता था कभी कभी ऐसे केस स्टडी बना के कुदुमश्री दिस दिस छोटा सा दो लाइन का है ना और फिर उसके बाद नीचे जो भी मुझे लिखना है वे फॉरवर्ड एंड अदर थिंग्स तो अब क्या हुआ कि एग्जाम में बाकी सब चीज़ें सेम है बस मैंने एक छोटा सा वैल्यू कर दिया मैंने एक छोटी सी केस स्टडी डाल दी दो लाइन की दो लाइन में समझा दी मतलब ज़्यादा नहीं समझाना है आपको दो लाइन में बस बता देना है श्री केरला एंड दिस इज हैपनिंग है ना तो इससे एग्जामिनर को आपको उसको एक मौका मिल जाता है आपको एक मार्क एक्स्ट्रा देने का ना वो एक एक मार्क ऐड होता है आपकी सक्सेस में तो इस टाइप से आप कोई भी एग्जाम्पल अच्छा जो मिल रहा है वो यूटिलाइज कर सकते हैं Uh, अपनी आंसर राइटिंग में गवर्नेंस में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना टॉपिक्स क्लियरली मैंशन है आई थिंक फिफ्टीन सिक्सटीन टॉपिक्स हैं टोटल गवर्नेंस के सबको कॉम्प्रिहेंसिवली दो दो पेज के नोट्स बना के कवर कर लेना है और जब आप नोट्स बनाओ नोट्स कैसे बनाने हैं मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ नोट्स कैसे बनाने हैं इसके पहले बेसिक कंटेंट लिखना है उस uh, जैसे कि अगर मैं सिटीजन चार्टा लिख रहा हूँ पहले बेसिक कॉन्टेंट फिर उसके बाद उसका अगर मेरे पास कोई अच्छा एग्जाम्पल है कोई अच्छी केस स्टडी है वो अपने नोट्स में ऐड करना है और उसके अलावा बाकी चीज़ें मैंने बताया ना पांच चीज़ों में बनाना है इंट्रो बॉडी और वो और वे फॉरवर्ड क्या लिखने वाले हो क्या रीजनस हैं कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करना है एक टॉपिक ये नहीं सिटीजन चार्टर क्या होता है पढ़ाओ निकल गए नहीं क्या इशूज हैं सिटीजन चार्टर में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है वे फॉरवर्ड क्या है हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट वट थिंग्स वी कैन मेक बेटर कोई अच्छी केस स्टडी है जैसे सिटीजन चार्टर में एक बहुत अच्छी केस स्टडी किसी फॉरेन नेशन की थी शायद मलेशिया या कहीं की थी जो मैंने मेंशन की थी Uh, कि वहाँ पर ऐसा ऐसा सिटीजन चार्टर है वो ऐसे इम्प्लीमेंट होता है तो आप ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे बुकलेट में इजीली मिल जाते हैं आई थिंक uh, मैंने ओनली एज की uh, एक बुकलेट थी उसमें uh, शायद uh, जो ओनली एस की लैंडमार्क जजमेंट्स वाली बुकलेट है उसी में शायद ये मैंशनड है कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंशनड है तो मैंने वहीं से उठा लिए थे तो मैंने इस तरह मेटेरियल uh, आपको जहाँ से मिल जाए जहाँ से भी इजीली एक्सेसिबल हो आप वहाँ से मटेरियल उठा लीजिए और कर लीजिए उसको ठीक है थर्ड थिंग इज अबाउट आई आर आई आर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और आपको आप डेली न्यूज पेपर पढ़ते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आई आर थोड़ा सा जरूर पढ़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी uh, नो थोरो नॉलेज चाहिए, चाहिए होती है काफ़ी एनालिटिकल नॉलेज चाहिए होती है आई आर के क्वेश्चन आंसर करने के लिए एग्जामिनेशन में आई आर के भी टॉपिक्स डिफाइंड हैं और आप उन टॉपिक्स के बेस पे ही uh, अपना कंटेंट uh, बना सकते हैं बट आई का कंटेंट बनाना कैसे है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आई तो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा एंड डायनामिक सपोज आप इंडिया और श्रीलंका रिलेशन पढ़ रहे है ना तो आ, आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आईआर में बहुत जरूरी है कि इंडिया श्रीलंका से हमारे रिलेशन कब कब से स्टार्ट हो रहे हैं क्या कैसे रहे हैं क्या क्या चीजें हुई हैं कौन से पैक्ट हमने साइन किए हैं Uh, क्या हमने हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है कि नहीं है क्या हमने एफ टी ए साइन किया है कि नहीं किया है उनके साथ है ना तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि क्या बैकग्राउंड है ठीक है फिर आपको देखना है कि हमारे श्रीलंका के साथ रिलेशन में क्या इशूज हैं जैसे श्रीलंका के साथ एक हमारा फिशरमैन इशू है ना फिर क्या क्या पॉजिटिव्स हैं हमारे रिलेशन में हम श्रीलंका के साथ किस किस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट हैं हम सार्क का पार्ट हैं हम कहाँ कहाँ उनके साथ पार्टनरशिप में हैं और हमारे कैसे रिलेशन हमारे ट्रेड रिलेशन कैसे हैं कितना हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं है ना फिगर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि क्या हमारा वो साउथ एशिया में लार्जेस्ट पार्टनर है या और कोई है या बांग्लादेश है या कौन है है ना तो इस तरह से पढ़ना है बैकग्राउंड पढ़ना है उसके इश्यूज़ पढ़ने हैं उसके पॉजिटिव पढ़ने हैं और अभी गवर्नमेंट के रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं ये आपका आ जाएगा डायनेमिक पार्ट में जो हम बोलते हैं ना कि डायनेमिक क्या होता है डायनेमिक ये होता है प्लस रिसेंट में क्या होता है कि कई बार न्यूज में होता है कुछ चल रहा होता है जैसे कि अभी श्रीलंका में क्राइसिस था इकोनॉमिक क्राइसिस था तो इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट्स दी थी इंडिया ने हेल्प की थी अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां पर गए थे उन्होंने आ, उनको हेल्प किया उनको लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की तो वो अपने को ध्यान रखना है डायनेमिक वो होता है कि हम लोग का रिसेंट में क्या चल रहा है और हम क्यों कर जा रहे हैं वहां पे क्यों तो अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां पे गए क्यों गए देखो इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट रेसिप्रोसिटी कि हम गए ऐसा फ्री में तो मदद नहीं कर रहे हैं उसके बदले में आ, हम क्या अपनी सॉफ्ट पावर एनहेंस कर रहे हैं हमारी गुडविल बिल्ड हो रही है ना इंटरनेशनल इलेक्शन में तो इस एंगल से सोचते रहना है मतलब जब भी आप आई का कोई आर्टिकल पढ़ो या कोई कभी भी न्यूज में पढ़ो तो आपको ये सोचते रहना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं है ना तो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है इससे क्या होगा तो ये क्यूरोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा आप क्वेश्चनिंग एबिलिटी uh, करते इनहेंस uh, करेंगे अपनी तो बेटर रहेगा तो रिसेंट क्या है और वे फॉरवर्ड जरूर एज आई मैंशन कि इंडिया श्रीलंका रिलेशन में और क्या कर सकते हैं या कोई भी अगर इंडिया -पा, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है तो हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं है तो क्या कर सकते हैं कैसे इनहस कर सकते हैं इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर यूज़ कर सकता है इंडिया स्पोर्ट्स यूज़ कर सकता है स्पोर्ट्स एज अ सॉफ्ट पावर यूज़ कर सकता है इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट दे सकता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकता है सागर का पार्ट बना सकता है तो इस टाइप से चीज़ें याद रखनी है क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं तो वो वे फॉर बाद मेंशन कर सकते हो है ना आईआर में भी अगर आप सिलेबस देखोगे तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है एक तो बाइलेटर रिलेशन है एक मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं आई एम एफ यू एन वर्ल्ड बैंक ठीक है IMF, UN, Bank, तो आप उसके भी एक एक पेज के नोट्स बना लेंगे कि सपोज़ वर्ल्ड बैंक है तो वर्ल्ड बैंक का क्या काम है कितने यूनिट्स हैं कैसे कैसे फंक्शन करता है डेवलपमेंट असिस्टेंस देता है तो ये सब आप कवर कर सकते हैं उसके अलावा ग्रुपिंग्स ग्रुपिंग्स अगेन इम्पोर्टेंट हो जाती हैं अगर आप देखोगे यूपीएससी

अच्छा बिफोर आई स्विच टू जी एस थ्री किसी को कुछ डाउट है या किसी को लग रहा है कि uh, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो यू कैन आस्क मी जी एस टू में समझ में आया ना कैसे करना है डुएबल है है ना अपने को सिलेबस वाइज चलना है सिलेबस के थ्रू ही अपने को पढ़ाई करनी है तो विल स्टार्ट विथ जी एस थ्री जी एस थ्री में इकोनॉमी है और इसमें एग्रीकल्चर भी है ठीक है तो इकोनॉमी का जो बेसिक्स है जैसे कि बैंकिंग बजट ये तो सब आप प्रिलिम्स में ही कवर करते हैं और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं और बजट पढ़ते हैं तो ये तो सब वो प्रिलिम्स वाला ही पार्ट हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट वो आपको पढ़ना ही है प्रिलिम्स के लिए वही सेम काम आपको मेंस में आता है अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करता हूँ कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ना इस्पेसली फ्रॉम मेन्स पर्स्पेक्टिव क्योंकि आजकल जो न्यू इकोनॉमिक सर्वे है जो रिसेंट एडिशन है उसमें दे मेंशन व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स व्हाट व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग एंड गवर्नमेंट कैन डू तो बोथ थिंग्स आर मेंशन व्हेन व्हेन आई आई एम टॉकिंग अबाउट वे फॉरवर्ड कि आप वे फॉरवर्ड कहाँ से निकाल लेंगे ये सबके मन में डाउट होगा कि कहाँ से लाएंगे वो वे फॉरवर्ड वहाँ से आएगा इकोनॉमिक सर्वे से स्पेशली इन इकोनॉमिक क्वेश्चन है ना तो आप वो वहाँ से कवर कर सकते हैं तो एक तो इसमें प्र वाला ही सेम चलेगा उसके अलावा आपको इसमें इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट फिर आ, आप इसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन मटेरियल से देख सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेसिफिक टॉपिक मैंशन होते हैं तो आ, अगर आपको कहीं से कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो आप वहाँ से कर सकते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें फिर इसके बाद अगर हम लोग इकोनॉमी के और टॉपिक्स देखें तो इकोनॉमी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है नेम ऑफ कमेटीज कमेटी जैसे कि इस बार अगर मैं बताऊं तो मेंस में क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग रेलवे रेलवे रिगार्डिंग क्वेश्चन था सो आई मेंशन विवेक देबरोय कमेटी ये विवेक देव देबरो हैं वेरी तो रिस्पेक्टफुल पर्सन और ये नीति आयोग के मेंबर हैं ठीक है तो इनकी एक कम, कमेटी थी उन्होंने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ रिकमेंडेशन दिए थे तो ऐसे ही इकोनॉमी में ना बहुत सारी कमेटीज़ हैं आपको डॉक्यूमेंट फिर अगेन डॉक्यूमेंट वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ ये सब डॉक्यूमेंट इजीली अवेलेबल है सिर्फ आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है कि ये ये कमेटीज़ हैं इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है किसके रिगार्डिंग तो मैंने अपने वे फॉरवर्ड में ये विवेक कमेटी का रिकमेंडेशन मैंशन किया था ना तो आप ऐसे जो मैं वे फॉरवर्ड या पॉइंट फाइव की बात कर रहा हूँ वो पॉइंट फाइव इससे आएगा कमेटीज मेंशन करो कोई रिकमेंडेशन है या कोई अदर आपको एग्जांपल मिल रहा है तो आप एग्जांपल मेंशन कर सकते हो कोई केस स्टडी मिल रही है वो मेंशन कर सकते हो इकोनॉमी में बस इतना करना है एग्रीकल्चर में टॉपिक्स डिफाइंड हैं फूड प्रोसेसिंग और ये सब टॉपिक हैं तो सिमिलर कुछ नहीं करना है कोई भी एक वैल्यू एडिशन मटेरियल या कोई भी कंपाइलेशन होता है जो ईयर एंड में आता है वहाँ पर ये सब अवेलेबल होता है कोई भी एक मटेरियल सिंपल सा आप उठा लीजिए सब अवेलेबल होता है एग्जाम्पल वगैरह कहीं से मिल रहा है तो ऐड कर लीजिए है ना अच्छा यहाँ पर ना इकोनॉमी में और इसमें चीज़, दो चीज़ें मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं पहली तो है ग्राफ्स सपोज देर इज सम क्वेश्चन रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनमी तो यू कैन ड्रॉ सम ग्राफ छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करना है बहुत ज्यादा क्योंकि तो वहां पे टाइम नहीं होता है आपको हार्डली टेन सेकेंड्स होंगे कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सपोज आपको कोई ट्रेंड दिखाना है आई रिमेंबर एक कोई क्वेश्चन था मैंने उसमें कुछ ऐसे ग्राफ बना के कुछ ट्रेंड दिखा दिया था कि ये ऐसे कि ऐसे ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है या ईयर ऑन ईयर घट रहा है या ये साइकिलिकल ट्रेंड है जैसे कि लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वी शेप्ड रिकवरी के शेप्ड रिकवरी तो इन दैट मैंने वो आप दिखा सकते हो कि कैसे वी शेप रिकवरी हो रही है पहले कितना परसेंट था कितना फिर कैसे हो गया है ना तो आप छोटे से ग्राफ्स की ना अपने टेस्ट uh, सीरीज में प्रैक्टिस कर लेना ये काफी हेल्पफुल होते हैं और काफी आपको अच्छे मार्क्स देते हैं ठीक है uh, दूसरी डाइग्राम्स आई रिमेंबर एक फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन था तो uh, उसमें मैंने क्या किया था कि uh, मैंने मेंशन किया था कि मिल्क है मिल्क से हम स्किम स्किम पाउडर बना रहे हैं उसको मार्केट कर रहे हैं मार्केटिंग है ना तो ये प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया कैसे तो ऐसे छोटे छोटे जो फ्लो डाइग्राम्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपको देखो मेंस में आपको पेज भी फिल करना है ना और आपको बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है तो आप कैसे करोगे तो आप ऐसे ऐसे डायग्राम बना सकते हो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है सेल्फ एक्समिलेटरी मिल्क है मिल्क से स्कीम पाउडर बना मार्केट हुआ मार्केट फाइनल कंज्यूमर तक चला गया है ना तो आप ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स अपने नोट्स में ऐड कर लेना ताकि आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी मतलब आपको क्वेश्चन दी गया फूड प्रोसेसिंग का एंड यू नो कि इसमें वो फिट हो सकता है ये ये फ्लो चार्ट जा सकता है तो डायरेक्टली आपके दिमाग में है ये फ्लो चार्ट है लगा दिया वहाँ पे है ना तो आप इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के बाद तो तीसरा टॉपिक है एनवायरनमेंट। अगेन एनवायरमेंट में प्रिलिम्स uh, वाली चीजें चलेंगी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एनवायरमेंट की वो प्रिलिम्स वाली होगी एनवायरमेंट में मेजर uh, क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं कोप ट्वेंटी सिक्स का एक क्वेश्चन आया था है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं एनवायरमेंट में अपने, लेकिन आपके बेसिक्स में प्रिलिम्स वाला ही चलेगा और डायनामिक में कोई भी जो भी आप करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करते हैं उसमें कवर्ड होगा इसके लिए एनवायरमेंट के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है दिस इज मोर देन सफिशियंट क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट होते हैं वो कर सकते हैं देन कम साइंस साइंस एंड एंड टेक टेक में पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस काफी रैंडम हो गए हैं एंड यू पी एस सी इज इन हैबिट ऑफ आस्किंग सम रैंडम और वो रैंडम आपका टेस्ट कर रहे हैं दिमाग तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आई हैव टॉक टू मैनी पीपल एंड दे आर सेग कि सर आप वो कैसे कवर करें कैसे करें तो uh, हर कोई कुछ सब कुछ नहीं कर सकता है, है ना तो अपने को क्या करना है इसमें बहुत इंटेलिजेंटली प्ले करना है साइंस एंड टैक में और अपने को ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ ही कर दोगे साइंस एंड टैक में क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है है ना तो आप जो आपके फिल्म में नॉलेज है उसी को यूटिलाइज करना है उसके अलावा जो भी आप करेंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर रहे हो वो कर लेनी है ठीक है उसके अलावा कुछ कुछ ना क्या है कि आ, फेमस जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं जैसे कि सी वी रमन सर हो गए हाँ ठीक है जो और भी हैं होमी जहांगीर बाबा हो गए विक्रम सारा भाई हो गए तो उनके बारे में थोड़ा सा सात आठ दस जितने भी आपको लगे उन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है तो आपको आइडिया रहेगा कि इनके क्या वर्कस थे इन्होंने तो क्या क्या किया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के सिलेबस में क्लियरली है कि आपको पता होना चाहिए है ना तो साइंस एंड टेक के लिए इतना सफिशियंट uh, है इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है नाउ कम्स सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत स्कोरिंग है अराउंड फिफ्टी टू सिक्सटी मार्क्स का इंटरनल सिक्योरिटी से आता है है ना और तो ये बहुत स्कोरिंग होता है यू टेल उसमें ना टॉपिक्स मैंशनड है मनी लॉन्ड्रिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ठीक है तो इस टाइप के टॉपिक्स में मैंशन है अराउंड आठ से दस टॉपिक मैंशनड है आपको कुछ नहीं करना है हर किसी टॉपिक के दो से तीन पेज के नोट्स बना लेना है सपोज इफ आई टॉक अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ठीक है तो पहले तो जैसे अगर मैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ कि कैसे नोट्स बनाने हैं इसके ठीक है तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज ये है क्या अबाउट इट वट आर द रीजन फॉर इट क्यों है ठीक है गवर्नमेंट ने क्या किया है काउंटर करने के लिए ठीक है हम और क्या कर सकते हैं ठीक है वे फॉरवर्ड क्या है इतने सालों से है अभी तक क्यों नहीं कर क्यों नहीं कर पा रहे हैं ठीक है ठीके? तो उसके भी रीजन आपको मैंशन करने हैं इसके अलावा इसमें क्या करना एक चीज बहुत अच्छी करनी होती है लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म है तो आपको इंडिया का मैप ड्रा करना है ये मैंने भी रफ मैप ड्रॉ किया है एंड प्लीज uh, मैं बहुत अगेंस्ट में रहता हूँ इस चीज़ के कि जब आप इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो लक्ष्यद्वीप और अंडमान निकोबार को भूल जाते हैं प्लीज़ कभी नहीं भूलिएगा ठीक है हो सकता है आपको यहाँ जाना भी पड़े अगमट कैडर होगा जाना पड़ेगा या डेनिक्स डेनिक्स मिलेगा तो जाना पड़ेगा तो प्लीज़ ये ज़रूर मैंशन कीजिए है ना कुछ नहीं एक सेकेंड का टाइम लगेगा लेकिन बट ड्रॉ जरूर कीजिए तो जब आप लेफ्ट पिंग एक्सट्रीमिज्म मेंशन कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर सकते हैं और जो रेड कॉरिडोर है जो लेफ्ट लेफ्टिंग एक्सट्रीमिज्म वाला एरिया है उसको ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं कि ये एरिया है जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र का एरिया है तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली अभी रिसेंट में वहाँ पर एक अटैक हुआ था वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ठीक है तो आप ऐसे तीन चार डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे तो एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा कि आपको पता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी प्रिवलेंट है ठीक है करंट स्टेटस भी बता सकते हैं कि क्या करंट स्टेटस है ठीक है जैसे कि अभी जो स्टेटिक्स मुझे याद है उसमें 105 डिस्ट्रिक्ट में पहले था अब फोर्टी फोर में रह गया है और अभी शायद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिसेंट रिपोर्ट आई है तो इवन इससे भी लेस है यहाँ पर अभी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है तो इस तरह आप ये अपना इंटरनल सिक्योरिटी का एक एक कवर कर सकते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म साइबर सिक्योरिटी मनी लॉन्ड्रिंग अलोंग विद एग्जांपल्स जैसे कि अगर मैं साइबर सिक्योरिटी बोलूं तो साइबर सिक्योरिटी में इंडिया का क्या सिक्योरिटी अपेरेटस है साइबर सिक्योरिटी को लेके एक सर्टिन है इंडिया का इंस्टीट्यूशन इज मेजरली रिलेटेड टू दिस साइबर सिक्योरिटी है ना तो आप वो देख सकते हैं कि क्या इंडिया का सिक्योरिटी है है क्या कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें साइबर सिक्योरिटी में एक कन्वेंशन है बूढ़ापेस्ट कन्वेंशन आपने फिल्म में पढ़ा होगा है ना तो आप देख सकते हैं कि कैसे नोट्स बनाने हैं मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कंटेंट नहीं बता रहा हूँ जिससे अगर साइबर सिक्योरिटी का एक नोट बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या उससे रिलेटेड है ठीक है सिक्योरिटी के नोट्स ऐसे बना लेने है, हर पेज के दो दो अच्छा नोट्स में बहुत ज़्यादा बड़े बनाने के लिए इसमें रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मेन्स के टाइम टाइम कम होता है और बहुत रिवाइज़ ज़्यादा करना होता है और इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना कंटेंट याद रख पाते हैं और उसको रिप्रोड्यूस कर पाते हैं आपके पास इतना सारा कंटेंट है बट वहाँ तो लिखने का स्पेस लिमिटेड है ना आपको टेन मार्क का लिखना है फिफ्टीन मार्क का लिखना है टेन मार्क का वन फिफ्टी वर्ड्स या टू हंड्रेड टू फिफ्टी वर्ड्स इतना ही होता है ठीक है तो बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट इकट्ठा नहीं कर लेना है क्वालिटी कॉन्टेंट इकट्ठा करना है बस है ना क्वालिटी कॉन्टेंट मतलब एग्जाम्पल्स केस स्टडी ये सब uh, इकट्ठे ज़्यादा करने हैं बेसिक content सबका लगभग सिमिलर होता है और वो आपके पास इकट्ठा हो जाएगा जब तक आप मेन्स लिखने जाओगे अभी अच्छा uh, आप अभी फर्स्ट टाइम वर्ष हो तो आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि हमारे पास कॉन्टेंट नहीं है है ना हाँ ये सबके साथ होता है बट ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जब आप मेन्स लिखने जाओगे आपके पास मोर देन सफिशेंट कॉन्टेंट होगा आप ये बोलोगे कि सर कॉन्टेंट uh, तो था बट लिख नहीं पाए टाइम कम होता है ठीक <laughs> है सात मिनट में आपको टेन मार्क का लिखना होता है और नौ नौ दस मिनट में आपको फिफ्टीन मार्क का लिखना होता है इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं होता और स्पेस भी लिमिटेड होता है तो आप कितना कॉन्टेंट लिख लोगे क्वेश्चन की डिमांड तो सेटिस्फाई करनी है है ना तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉन्टेंट क्वालिटी कॉन्टेंट पर फोकस ज़्यादा करना है राधा देन बहुत सारा कॉन्टेंट इकट्ठा करने पर है ना अब इसमें टॉपिक बचता है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लागेन यू पी ने बहुत क्लियरली सिलेबस में मैंशन किया हुआ है अर्थ पे है ना तो आपको हर मैंने क्या किया था मैंने मेरे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारह पेज के नोट्स हैं आई विल शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल अच्छा अल सेंड आई विल गिव यू माई टेलीग्राम चैनल सो मैं उस पर जो भी अपने अच्छे नोट्स हैं या जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं मैं अपलोड कर दूंगा आप उनको यूज़ कर सकते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट है मेरे बारह पेज के नोट्स हैं और उसमें सारे डिज़ास्टर कवर हैं और उससे सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ नहीं जो नहीं हुआ उससे अब पी वाई भी देखेंगे तो बारह तेरह पेज के नोट्स हैं सब डिजास्टर के ऊपर एक एक पेज बनाया हुआ है और उससे क्लियर हो जाता है ठीक है यह भी आप रिजास्ट मैनेजमेंट देखेंगे तो वैल्यू एडिशन मटेरियल कोई भी अवेलेबल होगा ऑनलाइन उससे हो जाता है और कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है इसमें अच्छा हाँ वैल्यू एडिशन मटेरियल क्या होता है कि हर सब कोचिंग अपना एक वैल्यू एडिशन मटेरियल निकालते हैं फॉर मेंस हर हर कोचिंग का अवेलेबल का जो भी मार्केट में कोचिंग है आई नॉट नेम नेम देम बट सभी कोचिंग का अवेलेबल है सभी का वैल्यू एडिशन मटेरियल सब कुछ अलग अलग नाम से रखते हैं जैसे आई थिंक यहाँ पे प्रहार नाम से है अभी मैं बताऊँगा है ना तो उस टाइप से बुकलेट्स अवेलेबल होती हैं ईजीली अवेलेबल होती हैं फ्रीली अवेलेबल होती हैं आपको कहीं भी मिलेंगी मार्केट में भी परचेज करोगे पर मिल जाती हैं वो मेन्स स्पेसिफिक होती हैं इसी नाम से आती हैं तो मिल जाएगा वो वो कोई इशू नहीं होता है आप अपने मेंटर्स से पूछोगे तो फिर रियली एक्सेसिबल होगा ठीक है बता देता हूँ इसमें मैं अपना सोच बता देता हूँ मेरा था पी एम एफ आई एस की एक बुकलेट आती है मार्केट में एक बुकलेट अवेलेबल होती है आ, मेरे को मतलब बहुत शॉर्ट लगती थी बाकी एक बुक है शंकर शंकर बुक है आई थिंक वो सब पढ़ते हैं है ना सर शंकर शंकर की बुक है जो सब पढ़ते हैं बट आई थिंक वो बहुत बल्कि बुक है और अभी उससे उतना ज़्यादा आता नहीं है तो आप बहुत सेलेक्टिव स्टडी उसकी कर सकते हैं बहुत बहुत सेलेक्टिव स्टडी कि कुछ कुछ टॉपिक्स देख लिए क्योंकि वो थोड़ी अभी उतनी रिकमेंडेड नहीं है उतनी थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है अभी ट्रेंड थोड़ा अलग चल रहा है अभी यू अगर हम फिल्म में देखें यू इज मोर फोकसिंग ऑन नेशनल पार्क रामसर साइट्स है ना ये सब चीज़ें कौन सी ईवर कहाँ से फ्लो कर रही है ठीक है कौन से नेशनल पार्क से निकल रही है नहीं निकल रही है एनिमल्स के बारे में कोई आ, कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यू ने बहुत बार पूछ लिया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फिर से न्यूज़ में है कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था है ना और वो अभी राजस्थान ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो फिर से न्यूज़ में है तो शायद यू इस बार फिर से पूछ सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो ऐसी चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी है बाकी मेनली मैंने पी से किया था थोड़ा सा शंकर वाली बुक से किया था बट मेरे को उतनी ज़्यादा पर्सनली हेल्पफुल नहीं लगी वो इसके अलावा मैंने वो फिर वही अगेन जो करंट अफेयर की बुकलेट आती है वहाँ से कर लो और थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे देख लो अगर कवर हो जाता है तो उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें है ना नेशनल पार्क रामसर साइट्स इसके मैंने अलग से मैप पर प्लॉट किया था वो अपने नोट्स बनाए थे आई एल बी शेयरिंग दैट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो

ठीक है इसमें एथिक्स का सिलेबस क्लियरली मैंशनड है ठीक है अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी है ना और गवर्नेंस गुड गवर्नेंस एथिकल गवर्नेंस है ना वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज सिचुएशनल वैल्यूज लाइक दिस तो पूरा सिलेबस में एक एक वर्ड मेंशन है हर वर्ड के या हर टॉपिक पे आपके पास नोट्स होने चाहिए एक दो पेज के नोट्स होंगे चलेगा कोई भी एक दो एक सोर्स से कोई भी एक सोर्स से फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना बेसिक पूरा कवर कर लें इत इसके सारे टॉपिक कवर कर लें जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे कि एटीट्यूड एक चैप्टर है तो एटीट्यूड क्या कॉम्पोनेंट्स हैं एटीट्यूड के उसमें आ, कैसे एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि एटीट्यूड यू पे से क्यों पूछ रहा है है ना बिहेवियल चेंज के लिए जब आप फील्ड पे जाओगे तो स्वच्छ भारत जैसे स्वच्छ भारत था तो उसमें आप लोगों का एटीट्यूड कैसे चेंज करोगे ठीक है परसुएशन कैसे उनको परसुएट करोगे चीज़ों के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है वे मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ अभी जैसे मैं वर्किंग हूं तो पांडिचेरी में बींग कोस्टल सिटी प्लास्टिक जो है एक मेजर प्रॉब्लम है ठीक है तो अभी हमने वहां पर कैंपेन शुरू किया हुआ है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कि यूएन का भी यू एन का कैंपेन है आपने प्रीलिम्स में देखा होगा तो वो हमने कैंपेन शुरू किया हुआ है वहाँ पे फॉर एलिमिनेटिंग सिंगल तो उसके लिए आपको बहुत स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ती है फॉर एग्जाम्पल मेरे को वहाँ पर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेजिडेंट से बात करनी होती है हमको आ, जो होल सेलर्स हैं जो प्लास्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे आ, आपको उनको कन्विंस करना है लिकर एसोसिएशन है उससे बात करनी है ठीक है वेंडर एसोसिएशन है उससे बात करनी है तो आपका मेजर काम है उनको परसुएट करना आप कैसे परसुएट करोगे एज एन ऑफिसर ठीक है तो वो उनका एटीट्यूड कैसे चेंज करोगे लोगों का बिहेवियर चेंज कैसे लाओगे तो वो आपको करना है तो उसके लिए आ, उस ये पेपर उसी के लिए है यूपीएससी आपका वही चीज चेक कर रहा है इस इस पेपर के थ्रू आपका माइंडसेट आपका एटीट्यूड और आपका इस एग्जाम को लिखने का पर्पस ठीक है तो कोई भी एक सोर्स से सारे स्टेटिक टॉपिक कवर कर लेने हैं फिर तो उसके बाद इसमें में वैल्यू एडिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन में क्या क्या है इसमें एग्जाम्पल्स इथिक्स में एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सपोज uh, आप कोई क्वेश्चन एटीट्यूड के ऊपर लिख रहे हैं एटीट्यूड चेंज के ऊपर तो आपको उसमें तीन चार एग्जाम्पल्स होने चाहिए कि स्वच्छ भारत हो गया राजस्थान में दरवाजा बंद कैंपेन था या कोरोना के टाइम पे बहुत सारे कैंपेन चले थे तो ये सब आपको पता चाहिए। वैल, के वैल में होना चाहिए होना ता, चाहिए तब ताकि आप उसको पेपर पे ले जा सके एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके साथ ही केस स्टडी कोर्ट्स इथिक्स में लोग काफ़ी कोर्ड्स का यूज़ करते हैं ठीक है आंसर आप अपने आंसर स्टार्ट करने से पहले कोई कोड डाल सकते हैं या आंसर की एंडिंग में कोई कोड डाल सकते हैं सपोज एडिट्यूड है एडिट्यूड के ऊपर कुछ अच्छे अच्छे कोर्स आपने कलेक्ट कर लिए अच्छा बहुत सारे कोर्ट्स कलेक्ट नहीं करने हैं बिना वो पेपर पर पे नहीं पहुँचेंगे दो या तीन जो ईजी वाले हों जो थोड़े इंप्रेसिव टाइप के हों उनको कलेक्ट कर लिया और उनको आंसर में डालने की कोशिश करनी है उससे आपका आंसर बहुत अच्छा बनता है तो आप अपने कोर्स इथिक्स में ऐड कर सकते हैं केस स्टडी और एग्जाम्पल्स ये तीन चीज़ें जो इथिक्स में आपको बहुत एडवांटेज देंगी अच्छा एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं इसमें में जैसे कि जो भी कुछ फेमस आई ऑफिसर्स हैं या कोई अदर फील्ड में हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनका एग्जाम्पल कोट कर सकते हो या उनकी कोई फेमस लाइन है वो कोट कर सकते हो जैसे कि नारायण मूर्ति सर हैं है ना इन्फोसिस के को चेयरमैन तो इस इन्होंने बोला था कम्पैशनेट कैपिटलिज्म टॉक्स अबाउट कंपैशनेट कैपिटलिज्म है ना कि कैपिटलिज्म थोड़ा कम्पेशनेट होना चाहिए या वो बोलते हैं स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो ये चीज़ें ना हमें पता होनी ये चीज़ें अगर आप अपने वैल्यूडिशन में इंकल्केट कर लेंगे तो इट गिव्स एन एडिड एडवांटेज जैसे कि इस बार अभी क्वेश्चन आया था सी एस आर का समथिंग क्वेश्चन आया था इस बार के पेपर में तो बी पी सी एल है ना बी पी सी एल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड उनका सी एस आर कैंपेन है बूंद करके तो मैंने उसका मेंशन किया था है ना तो आप ऐसी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जो आप कहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में रेगुलर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो इकट्ठा भी कर सकते हैं आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं अच्छा एक चीज़ अच्छी हो रही है आप अपने साइड में एक डायरी में लिख लिया बाद में उसको एक साथ रिवाइज कर लिया तो ऐसा कर सकते हैं एथिक्स के इस uh, पोर्शन के लिए इसके अलावा अब मैं अब हम चलते हैं केस स्टडी पे uh, ये समझ में आया ना एथिक्स का फर्स्ट पोर्शन कैसे कवर करना है है ना ठीक ऑल मूव टू केस स्टडी केस स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये मोस्टली लोग कर लेते हैं और इसमें काफी लोगों को दिक्कतें आती हैं केस स्टडी में केस स्टडी में आपको क्या करना होता है कि जो भी आपको केस स्टडी एक्सवाइज एड केस स्टडी सपोज गिवन है तो आपको उसको अटैम्प्ट कैसे करना है केस स्टडी अटैम्प्ट करने के दो से तीन मेथड हो सकते हैं है ना तो जैसे कि ये सपोज एक केस स्टडी गिवन है मैंने उसका पहले एक इंट्रो लिख दिया ठीक है उसका इंट्रो अब इंट्रो कैसे देते हैं क्योंकि केस स्टडी तो खुद ही गिवन है तो उसका इंट्रो कैसे लिखेंगे सपोज कोई केस स्टडी है उसमें कुछ डाउरी दाव, वगैरह का मैंशनड है है ना तो आप उसमें दो से तीन तरीके से इंट्रो लिख सकते हैं उसका पहला तो कोई डेटा सपोज तो आपके पास पहले से डेटा है कि इतनी डॉरी डेथ इंडिया में हुई है एंड इट्स कंसर्न है ना वैसे करके एक तरीके से आप उसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं सेकंड आप उसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि आप उसमें आ, मेंशन करें कि डॉरी कैसे एक बहुत बड़ा सोशल इशू है वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कंसर्न कंसर्न शो करके तीसरा तरीका है जो केस स्टडी में मैंशन है आप उसी का कोई समराइज फॉर्म में दो लाइन का मैंशन कर दें एज अ इंट्रोडक्शन कि दिस केस स्टडी इज अबाउट दिस दिस थिंग सो दैट एग्जामिनर नो दैट यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड इट कि आपने केस स्टडी को अच्छे से समझ लिया है और वो उसका जो क्रक्स है आप इंट्रो में लिख दे रहे हो वहीं से आपकी लाइन सेट हो जाएगी फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग स्टेक होल्डर्स लिखते हैं कि क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं पर्टिकुलर केस स्टडी में ठीक है थिकल इश्यूज क्या हैं अच्छा केस स्टडी अच्छी लिखने के लिए आपका फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए है ना मतलब फर्स्ट पार्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए ताकि आप इथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकें उस केस स्टडी में से कि क्या इथिकल इशू इसमें है ठीक है वो आइडेंटिफाई करना है इथिकल इशू क्या है ठीक है फिर उसके बाद केस uh, स्टडी को प्रोसीड करते हैं स्टडी में तीन चार क्वेश्चन गिवन होते हैं अगर आपने पेपर देखा होगा तो चार पांच क्वेश्चन गिवन होते हैं ए बी सी डी वन बाई वन आप सबको सबको बता देंगे सबको आ, कि क्या क्या क्वेश्चन कर देंगे इंपॉर्टेंट क्या है कि एथिक्स में आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाकी आप जीएस की कम भी करोगे तो चलेगा क्योंकि वो बहुत कंटेंट ओरिएंटेड है एथिक्स इज आंसर आंसर ओरिएंटेड आंसर राइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसमें चारों में जीएस वन टू फोर आपको पी वाई क्यूज तो तारे कर लेने हैं ठीक है मतलब अगर आप खुद से लिख के भी ना करो तो यू uh, नो you know, आप उनको जोट डाउन करके छोटे छोटे फॉर्म में बट सारे पी वाई क्यूज कर लेने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि थीम्स लिमिटेड हैं और वो रिपीट होती हैं है ना तो हर थीम के आप पी वाई क्यूज करोगे तो आपके पास इतना कॉन्टेंट हो जाएगा अच्छा आई वुड बी शेयरिंग माई जी एस फोर दिस वेलिशन नोट ऑल्सो हम लोग तीन दोस्त थे मैं असद रैंक एट्टी सिक्स एंड शुभतोष रैंक थ्री फिफ्टी एट हम तीनों ने साथ बैठ के ऑनलाइन डिजिटली नोट्स बनाए थे फॉर इथिक्स हमने सारे पी वाई क्यूज एक साथ लिख लिए थे तीन दिन हम लोग बैठे थे सुबह से शाम तक मीट पे है ना तो हमने सारे उसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं जहाँ जहाँ से भी मिल सकते थे न्यूज़पेपर में थे हमने एक साथ एक फाइल में कंपाइल कर लिए थे सारे पी वाई क्यूज हमारे लिखे हुए हैं उसमें तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू तो uh, मैं वो शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप uh, काफ़ी कॉन्टेंट वहाँ से भी उठा सकते हो हर टॉपिक का मैंशनड है उसमें ठीक है उसके बाद जब आप इंट्रो और बॉडी कर दोगे तो सेम कंक्लूजन यहाँ भी चलेगा कंक्लूजन जैसे कि जी के हर आंसर में होता है बट इसका कंक्लूजन थोड़ा इथिक्स का आंसर राइटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि आपको हर जगह इथिकल टर्म्स यूज करनी है जनरल बात नहीं करनी है हर जगह इथिकल टर्म्स इथिकल परस्पेक्टिव से लिखना है तो सेम कंक्लूजन में आप इसमें कोई कोड डाल सकते हो समराइज कर सकते हो आपका जो भी करक्स है उस चीज़ का या कोई वे फॉरवर्ड समटाइम्स क्या होता है कि वो केस स्टडी में रिजल्ट पूछता है कि आपका क्या जजमेंट है तो इन केस अगर वो वो पूछता है तो आपका आपका क्या जजमेंट है आप किस साइड हो मोस्टली आपको क्या करना होता है जब केस स्टडी होती है केस स्टडी होती है तो एक बैलेंस आर्ग्यूमेंट बनाना होता है बिकॉज यूपीएससी के सिलेबस में मैंशनड है एक बैलेंस परस्पेक्टिव का इंसान उनको सिविल सर्विस में चाहिए ठीक है थेके? तो आपको अपना जजमेंट देना होता है एनालाइज करके कि दीज आर द प्रोज दीज आर द कॉन्स अच्छा क्या होता है कि कई बार आपको ऑप्शन ईवन होते हैं कि आप ए ऑप्शन चूज करोगे बी करोगे सी करोगे इस पोजिशन में तो आपको क्या करना है हर ऑप्शन की मेरिट और डिसमेरिट मेरिट और डीमेरिट देखनी है उसको ऐसे बना के एनालाइज करना है कि मेरिट क्या है वन टू थ्री ये इसकी मेरिट है शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स में पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है शॉर्ट वर्ड्स यू ऑलवेज यूज शॉर्ट वर्ड्स इन यूपीएससी हमने को ना अपने पास उतना स्पेस है ना अपने पास उतना टाइम है तो शॉर्ट वर्ड्स और जो फ्रेजेज होते हैं जो आ, आपके की होते हैं बोलते हैं ना की तो की वर्ड्स फोकस करके आपको ऐसे लिख लेना है ऐसे करके समझा तो देना है और फिर आपको बता देना है कि आप ये ऑप्शन चूज क्यों कर रहे हो या क्यों नहीं कर रहे हो ठीक है इस टेप से कवर हो जाएगा आई थिंक जी एस अभी कवर है मे परस्पेक्टिव से अच्छा अब मैं कुछ चीज़ें देख लेता हूँ बोल देता हूँ जो आपको थोड़ी अवॉइड करनी है इस जर्नी में uh, ठीक है तो मल्टीपल सोर्सेज ज्यादा नहीं पढ़ने हैं जैसे मैंने मेंशन किया है बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं कोई आपको वैल्यू एडिशन करना है तो उसके लिए आप कोई रेफरेंस ले सकते हैं बट मल्टीपल सोर्सेज पर जो नहीं जाना है ज़्यादा एक सोर्सेज पर स्टिक रहना है ठीक है और उसे चीजें कवर करनी है पी वाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से तो पी वाई क्यूज हमेशा सॉल्व करने हैं और बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं और उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी है कि एग्जामिनर हमसे क्यों पूछ रहा है अगर पी में कोई चीज़ पूछ रहा है तो क्या है? पूछना चाह रहा है क्यों पूछना चाह रहा है है ना अजंता रिवर पे उसका बार बार फोकस क्यों जा रहा है क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है है ना जैनिज्म मुद पे क्यों इतना फोकस जा रहा है तो वो एरिया कवर कर लेना है तो इस टाइप से आपको पी वाई क्यूज बहुत डिलीजेंटली करने हैं और रेगुलरली आपको रिविजन करना है ये नहीं है कि अगर आपने स्पेक्ट्रम आज की है तो उसको तीन महीने बाद उठा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ठीक है तो रेगुलरली अपना इंटरवल बना लीजिए सपोज आपने एक या डेढ़ महीने देखे तीन सब्जेक्ट कर लिए हैं है ना तो अब तीन जब आपका एक डेढ़ महीना हो गया है तो आप फिर से उसको रिवाइज़ मार लीजिए तीन चार दिन का गैप देखे रिवाइज कर लीजिए ठीक है ये नहीं कि आप हम सारा सिलेबस एक साथ ही कवर करेंगे पूरा और फिर लास्ट में सब भूल जाएंगे ठीक है तो ये नहीं करना है धीरे धीरे करके बिल्डअप करते चलना है और रिवीजन के साथ रिवीजन रेगुलर करते करते रहना है आप ऐसा भी कर सकते हैं सॉरी फॉर विच सब्जेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम और uh, लक्ष्मीकांत का भी नोट्स नहीं मनाने हैं ठीक है क्योंकि वो स्पेक्ट्रम जो है आपको शायद आपको पता नहीं है स्पेक्ट्रम खुद नोट फॉर्म में गिवन है ना? तो स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं बनाने हैं ना लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने हैं ठीक है नोट्स सिर्फ उन चीज़ों को बनाने हैं जो मेंस ओरिएंटेड हैं या फिलिम्स में जैसे मैं जो आपको लग रहा है कि उनका उतना वेटेज नहीं है ठीक है तो कुछ नोट्स बना लेंगे ईजीली रिवाइज हो जाएंगी जैसे अगर मैं आप अगर एनवायरमेंट कर रहे हैं तो आप एनवायरमेंट के नोट्स बना सकते हैं फिल्म के लिए क्योंकि तो बहुत वास्ट है तो एक लिमिटेड एरिया के नोट्स बन सकते हैं उसमें बट पॉलिटी और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री इनके नोट्स बनाना वर्थ वर्थ इट नहीं है एंशियंट के नोट्स बना सकते हैं क्योंकि एंशियंट बहुत वास्ट है लोग आर एस शर्मा फॉलो करते हैं या जो भी आप सोर्स फॉलो करते हैं थैंक यू विजिबल है सब सभी को ठीक है तो आप कैसे पढ़नी है जब हम पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो एक तो लक्ष्मीकांत को ना डिवाइड कर लेना है बाद के जो बीस चैप्टर्स हैं वो स्टेचुअरी नॉन स्टेचुरी बॉडीज ये सब के हैं ठीक है जब आप शुरू में पढ़ते हो तो सपोज पार्ट वन ही लोग पहले पढ़ते हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट, पार्ट, पार्ट थ्री ऐसे डिवाइडेड है लक्ष्मीकांत को पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल रखना है सपोज़ आप प्रेजिडेंट पढ़ रहे हो ठीक है तो उसके साथ गवर्नर पढ़ो साथ में पढ़ो प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट और गवर्नर साथ में पढ़ो कि इनकी चीज़ें क्योंकि इनकी पावर्स और क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जुडिशल क्या क्या पावर्स हैं वो लगभग सिमिलर हैं तो इनको साथ में पढ़ लेना है अपने को है ना एक जैसे सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं तो इसके लक्ष्मीकांत में तीन से चार चैप्टर्स गिवन है उनको एक साथ पढ़ लेना है ठीक है तो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा जब आप चीफ मिनिस्टर पढ़ रहे हैं साथ हाँ में प्राइम मिनिस्टर पढ़ लो और कैबिनेट ठीक है समझ तो आया कैसे क्या करना है अब क्या होता है ना हम लोग ये वाला पार्ट पहले पढ़ लेते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये वो जब तक हम गवर्नर तक पहुंचते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ठीक है फिर यू क्या करता है क्वेश्चन को ऐसे ही मैनिपुलेट करता है और हमको डिफरेंस पता ही नहीं चल पाता तो हमारा क्वेश्चन गलत तो हो जाता है तो क्या करना है स्पेटर की इनको साथ में पढ़ लें ये साथ में पढ़ लें ये साथ में पढ़ लें ठीक है फिर आपके जो लास्ट के बीस चैप्टर्स हैं वो हैं स्ट्रेचुचरी और नॉन स्ट्रेचरी बॉडी ठीक है ये आप क्या है ना ये बीस चैप्टर हैं लेकिन इसमें उतना कुछ कुछ चीजें बहुत माइन्यूट गिवन है जैसे कि एनएचआरसी है उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है एस एच आर सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है सीबीआई वाला चैप्टर है एन ए आई वाला चैप्टर है तो इसके केवल ये पोर्शन जो है नॉन केवल मैं रिकमेंड करूंगा पोर्शन के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं लाइक like, आप एक दो पेज ले लें uh, मैंने ऐसे बनाए थे ये बीस चैप्टर हैं बीस चैप्टर मेरे दो पेज में कवर्ड हैं मैं बताता हूँ कैसे ये आगे पीछे करके बता रहा हूं मैं ठीक है दो एक पेज ये आगे पीछे एक पेज ये आगे पीछे तो टोटल चार पेज या दो पेज कवर्ड है जैसे तो स्ट्रेचरी बॉडी है सपोज एन हमारी आ, सपोज सपोज़ मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई भी बॉडी एन का ठीक है इसके नीचे मैंने एस लिख लिया सिमिलर पावर लगभग सिमिलर पावर एक नेशनल है एक स्टेट लेवल है ठीक है फिर सी हो गई एन हो गई ठीक है ये बॉडीज हैं नीति आयोग है लेकिन ये नोट्स आप कब बनाएंगे ये प्राइमरी सेटिंग में नहीं बनाने हैं आपको जब आप ये वाली चीज भी चार पांच टाइम रिवाइज कर लेंगे तो आप फिर फ्रिक्वेंट रिविजन के लिए ये बना लेंगे फिर ये आपके आधा एक घंटे में ना बीस चैप्टर कवर हो जाएंगे आधा घंटे में आप बीस चैप्टर रिवाइज कर सकते हो इनसे ठीक है समझ आया ना एक बार इसमें कोई डाउट है किसी को केवल इस केवल स्ट्रेचुरी नॉन स्टेचुरी बॉडीज के बनाने हैं नोट्स वो भी आपको तीन चार रिवीजन के बाद ताकि आपको उनमें कंफ्यूजन ना रहे और एक पेज देख के आपको रिवाइज हो जाए ठीक है बाकी इन सब के कोई नोट्स नहीं बनाने हैं ये बुक से ही पढ़ना है बुक में अंडरलाइन कीजिए उसमें मार्क कीजिए अंडरलाइन कर लीजिए और उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है अगर आप जैसे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट पर अगर आप पढ़ रहे हो तो हाई कोर्ट साथ में पढ़ो ठीक है क्या क्या पावर्स हैं दोनों की इसके अलावा सेम फॉर स्पेक्ट्रम वहाँ पर भी पूरी बुक के कोई नोट्स नहीं बनाने हैं इवन स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर के एंड में एक समरी गिवन होती है तो आप जब आपकी स्पेक्ट्रम बहुत बार रिवाइज हो जाए आप अंडरलाइन वाली चीज़ है जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको पढ़ सकते हैं और वो समरी पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी समरी दी हुई है स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर के एंड में है ना तो कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन स्पेक्ट्रम में दो से तीन चैप्टर हैं जैसे कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो कन्फ्यूजिंग है ठीक पर बार भूल जाते हैं बैटल बैटल की कौन सी बैटल कहां हुई थी कब हुई थी ठीक है या टाइमलाइन क्या है केवल इन चीजों के लिए आप मैंने क्या किया था मैंने ऐसे मैप पे प्लॉट कर लिया था मुझे मैप यूज करने का बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं लगता है कि मैप से मैं याद चीजें ज्यादा रहती हैं है। इवन आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू दो साल पहले लास्ट टू लास्ट ईयर तो लास उलगुलन पूछा था यूपीएससी ने कि उलगुलन कहाँ पे हुआ था उलगुलन मेटल मुझे नहीं पता था कहाँ पे हुआ था मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे मैप पे वो प्लॉटेड था यहाँ पे ऐसे मैप पे प्लॉटेड था मेरे यहाँ पे तो मुझे ये पता था कि ये इस जगह हुआ है ठीक है उससे उससे मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था मुझे नहीं पता था कहाँ पर हुआ और किस से रिलेटेड है लेकिन बाकी जो तीन ऑप्शन थे वो यहाँ पे फिट नहीं हो रहे थे तो आपका सबकॉन्शियस भी काम करता है है ना तो वो चीज़ वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी कि आप कोई भी चीज़ याद करनी हो आप उसको मैप पे प्लॉट कर लो ये बैटल वाली चीज़ है आप उसको मैप पे प्लॉट कर लो कि कहाँ कहाँ क्या हुआ था आ, जैसे कि एटीन से पहले काफ़ी सारे रेबेलियंस हुए थे है ना तो नरकेबे रबेलियन फ़कीर रेबेलियन ठीक है तो आप उनका मैप पे प्लॉट कर लो कहाँ कहाँ हुए थे किस किस ईयर में तो आपको याद बहुत जल्दी आ जाएगा मतलब अच्छे से याद रहेगा फिर आपको रिवाइज करने के लिए पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जस्ट एक मैप है एक पेज है सिर्फ आप इसको अपने साखियों के सामने रखो आपका कुछ पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो भी आप एक बार देख लिया क्या चल रहा है फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना हमारी वो बहुत अच्छे से वर्क करती है ठीक है तो आप इस तरह भी चीज़ें रिमेंबर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम से और इन चीज़ों के इस टाइप के नोट्स बना सकते हैं अगर बनाना हो तो अदरवाइज बुक से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है लाइन लैंग्वेज नेहा एक स्टूडेंट है वो बेसिकली आपका रूटीन पूछना चाहती है कि प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपका रूटीन कैसे था अच्छा ओके okay. तो पहले तो ये रहता है कि अह कि कितने घंटे पढ़ते थे और ये सब और बहुत मिसकंसेप्शन है मार्केट्स में कि 18 घंटे 14 घंटे ये सब करके मेरे को काफी रिपोर्टर्स ने भी पूछा है कि कितने-कितने पढ़ते, पढ़ते थे तो अह आइडियली जो मेरे बाकी फ्रेंड्स भी पढ़ते थे जो सिलेक्टेड हुए हैं या बाकी पहले भी रेगुलर डेज में आठ से नौ घंटे ठीक है ये मैं इतना ही पढ़ जाता आठ से नौ घंटे और बाकी मेरे फ्रेंड्स भी इतने ही पढ़ते थे जो सिलेक्टेड भी हुए सेलेक्ट भी हुए हैं आठ से नौ घंटे अगर आप कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राधर देन टाइम मैंने देखा है लोग पढ़ते हैं तेरह चौदह घंटे तीन दिन पढ़ते हैं फिर तीन दिन छुट्टी लगाते हैं तो इफेक्टिवली कितना है सात घंटे है ना और उसके बाद फिर मन नहीं होता है फिर से स्टार्ट करना मुश्किल होता है तो आप एक दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने से अच्छा फिक्स टाइम रखिए कि आपको आठ घंटे पढ़ना है आपको नौ घंटे पढ़ना है लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए विद नो ब्रेक अच्छा इसमें आ, संडे में जो मेरा सेकेंड हाफ होता था आफ्टर ट्वेल्व मैं सुबह छः से शुरू करता था जो मेरे आफ्टर ट्वेल्व मैं टाइम थोड़ा फ्री रखता था संडे में एक हाफ डे ब्रेक मेरे लिए तो उसमें मैं अपने फ्रेंड से बातचीत घोड़े गप्पे शप्पे इधर उधर की बातें तो वो आप थोड़ा जरूर रखिए अपनी लाइफ में लाइफ में थोड़ा भी फन थोड़ा सा फ़न बहुत ज़रूरी है क्योंकि यू पी एस सी की जर्नी थोड़ी काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाती है या थोड़ा आइसोलेशन हो जाता है तो बारह मतलब आधा हाफ डे की लीव ले सकते हैं अपनी मूवी देख सकते हैं मैं नेटफ्लिक्स देख काफ़ी देखता था मतलब इवन जब मैं पढ़ता था तब भी मैं दोपहर में मैं बताऊंगा अपना शेड्यूल तो उसमें थोड़ा मेरा फ्री टाइम दिखाता था तो मैं 20-25 मिनट लेकिन वहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको बिंज वॉच नहीं करना है वरना नहीं हो पाएगा बीस पच्चीस मिनट आप अपना कोई भी फेवरेट फेरे, फेवरेट कुछ है सीरीज है जो आती रहती हैं तो आप वो देख सकते हैं तो ऐसा है नहीं है बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा बीच में फ़न आपको करते रहना है सेल्फ प्लेजर ताकि आप इस जर्नी में बने रहें ठीक है बाकी मैंने बताया संडे में, में मेरा हाफ डे ब्रेक होता था तो मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे इधर उधर चला जाता था ये आठ से नौ घंटे मेरा डेली रूटीन होता था एग्ज़ाम टाइम में ये दस से ग्यारह घंटे हो जाता था सबका हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा दो तीन तो एक दो घंटे बढ़ जाता है बाकी आठ आठ घंटे को मैं कैसे डिवाइड करता था तो आ, मैं अर्ली अर्ली राइजर हूँ तो मैं फ़ाइव टू फाइव थर्टी मैं उठ जाता हूँ फिर उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ मॉर्निंग वॉक से मुझे याद है कि हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है इस एग्ज़ामिनेशन में कि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली मेंटल हेल्थ ठीक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें अपने लिए रखनी है आपको अपना मी टाइम रखना है तो सुबह जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था शाम को एक्सरसाइज के लिए जाता था तो ऐसे ही आप अपना कोई भी टाइम रखें और फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करें रीज़न बींग जो मेंस होता है उसमें दिन में आपको छः घंटे बैठ के एग्जाम लिखना होता है और आप कंटिन्यूस आपको दस दिन का स्ट्रगल होता है ठीक है कंटिन्यूस दस दिन का स्ट्रगल होता है मीस में और बहुत एंड्योरेंस चाहिए होता है बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है वो लिखने के लिए आपको कंटिन्यूसली तीन तीन घंटे रेगुलर मीटिंग्स में एग्जाम लिखना है कल भी लिखना है परसों भी लिखना है मेंटल स्ट्रेंथ तो चाहिए फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए ठीक है बैक पेन और ये सब बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं यूपीएस स्टूडेंट के साथ तो उसके लिए आपको मतलब हेल्थ पे जरूर ध्यान रखना है सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता था मॉर्निंग वॉक्स आने के बाद एट अराउंड सिक्स मैं पढ़ने बैठता था छः से एट थर्टी ये मेरा पढ़ने का टाइम होता था और ये इसमें इस मैं अपना जो सब सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता था वो कंप्लीट करता था ढाई घंटे में क्योंकि मॉर्निंग आवर्स आर गुड फॉर स्टडी ठीक है उसके बाद एक घंटे का मेरा ब्रेक हो जाता था नाइन थर्टी तक एक घंटे में मैं अपना फ्रेश होके और आपका जो भी जो पूजा वूजा करते हैं करके अपना नाइन थर्टी पर अपनी मम को स्कूल ड्रॉप करके मैं नाइन थर्टी पर पढ़ने बैठ जाता था नाइन थर्टी टू ट्वेल्व थर्टी मेरा तीन घंटे की सिटिंग होती थी अच्छा आप जब पढ़े ना दो तीन घंटे ऐसे सिटिंग में पढ़े क्योंकि जो आपका मेन्स एग्जामिनेशन होता है वो तीन तीन घंटे की सिटिंग का होता है तो आपको एक आदत पहले से ही पड़ जाती है आपको बाद में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि हमसे तीन घंटे बैठा नहीं जाता ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि तीन घंटे बैठा नहीं जाता है और वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है तीन घंटे लग के बैठना तो पहले से ही इंकल्क्रेट करें हैबिट कि तीन घंटे लग के बैठने वाली तो मैंने इसीलिए तीन घंटे की सिटिंग बनाई थी फिर उसके बाद मेरे यहाँ पे काफ़ी लंबा ब्रेक चलता था टू मैं पाँच घंटे पढ़ चुका हूँ अभी ठीक है ज़्यादा साढ़े पाँच घंटे पढ़ चुका हूँ मैं अभी ठीक है उसके बाद बीस तीस मिनट नेटफ्लिक्स चलेगा ठीक है जो भी नई नई सीरीज आ रही है अपडेट भी तो रहना है भाई फ्रेंड से बात करनी गपशप भी माननी है तो अपडेट अपडेटेड रहना ज़रूरी है है ना कि क्या चल रहा है कौन सा सीरियल आ रहा है कौन सी सीरीज़ आ रही है मिर्ज़ापुर आ रही है है ना तो चलते रहना है वो नेट उसके बाद इसमें इसी बीच में मेरा एक छोटा सा पावर नैप लेता था मैं पावर नैप या मतलब थोड़ा आराम क्योंकि सुबह से काफ़ी टाइम हो गया है और अपना लंच ठीक है उसके बाद लंच के बाद थोड़ा सा टाइम फैमिली को भी क्योंकि मेरी में में मदर स्कूल से आ जाती तो थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करके एट थ्री ओ मैं फिर से बैठ जाता था ठीक है अभी ठीक है तीन से अब मेरी सीटिंग होती थी सिक्स थर्टी तक सिक्स थर्टी और सिक्स ओ क्लॉक जितना मेरा टाइम हुई अगेन तीन से साढ़े तीन घंटे की सिटिंग इसमें जो मेरा सेकेंड चीज़ होती थी उसको उसको मैं कवर करता था ठीक है तो एक मेरी सेटिंग होती थी तीन से साढ़े छः बजे तक की इसमें मैं अपनी चीज़ें कवर कर रहा था जो भी करना है और अगर आप अभी देखोगे तो ये दे, कितने देर कितना हुआ टू पॉइंट फाइव थ्री थ्री पॉइंट फाइव ठीक है ये नौ घंटे हो गए बट मैं इसमें से आठ घंटे ही मानता था क्योंकि बीच में मैं चा, साढ़े चार पाँच बजे हम चाय प्रेमी हैं तो चाय वाय पी लेते थे बीच में ठीक है तो उस टाइप की चीज़ें हो जाती थी तो इफेक्टिवली आठ आठ साढ़े आठ घंटे का ये मेरा रहता था अब देख रहे हो कि साढ़े छः पर मेरा दिन लगभग कंप्लीट हो गया है तो मैं इसे कंप्लीटनेस वाली फीलिंग नहीं करता था, था उसके बाद मैं साढ़े छः थोड़ा एक्सरसाइज करने चला चला जाता था ठीक है उसके बाद लंबा ब्रेक फिर अराउंड नाइन ओ क्लॉक साढ़े छः से नौ तक अपना जो भी ब्रेक है एक्सरसाइज करके आना है या और उसके बाद डिनर वगैरह सब करके नौ बजे में बैठ जाता था और हाँ इस बीच में मेरा साढ़े छः से नौ तक में ही मेरा एक बीस मिनट का बीस पच्चीस मिनट का कॉल होता था मेरा फ्रेंड है शुभ तो हम दोनों साथ में बात करते थे मैं जल्दी यू से रिलेटेड या इधर उधर की बातें होती थी यू से रिलेटेड भी होती थी उसका भी सिलेक्शन हुआ है ठीक है ही हैज़ गॉट थ्री रैंक तो मेजरली हमारी यूपीएस रिलेटेड बात होती थी थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करते थे कि क्या चल रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको पता रहता है आप जब अपने तो पीयर ग्रुप में होते हो ना तो आपको पता रहता है कि आप ऑफ ट्रैक नहीं जा रहे हो तो एक छोटा सा पीयर ग्रुप मैं बोलूंगा सबको रिकमेंड करूँगा कि छोटा सा दो तीन लोगों का पीयर ग्रुप सब लोग रखें मेरे ग्रुप में तीन लोग थे मैं शुभतोष और असद असद जुबेरी रैंक एट्टी सिक्स इसिया तो हमारा तीनों का हुआ है और वो पीए ग्रुप काफ़ी हेल्प किया है हमने इथिक्स के नोट्स भी साथ में बनाए थे मेयर और सद का ऑप्शनल भी सेम था तो हमने ऑप्शनल साथ में प्रिपेयर किया था फिर छोटा सा ज़्यादा लोग नहीं तीन दो तीन लोग का जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हों है ना तो उनका अच्छा ऐसे लोग का ग्रुप बनाना है जो आपसे कम्पीट ना करें ठीक है आपकी हेल्प करें ठीक है क्योंकि अगर कॉम्पिटिशन वाली चीज़ अपने दोस्तों में आ जाएगी तो चीज़ें थोड़ी दिक्कत करेंगी है ना तो ऐसा आप अपना कर लीजिए फिर उसके बाद नौ से दस बजे तक का मेरा एक घंटे का होता था इसमें मैं ऐसा प्रिटेंड करता था मैं पढ़ रहा हूं लेकिन इसमें मैं ना एडिशनल चीज करता था एडिशनल चीज मीन्स जैसे कि जो एक आ, दस पंद्रह मिनट में क्या कर जाता जो कोचिंग्स के वो आते हैं डेली करंट अफेयर की कोच वो आ जाती है कोई भी कोचिंग हो ठीक है डेली करंट अफेयर का आता है आ, क्या बोलते हैं उसको समरी 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 टाइप आती है डेली करंट अफेयर्स की तो मैं दस पंद्रह मिनट में वो देख लेता था कि कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं है जो मेरी मिस हो गई है अगर मुझे लगता था वो इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको वहाँ से कट करके अपने एवर नोट में पेश कर लेता था ठीक है तो मैंने वो लिखने से कोई मतलब नहीं है वो डिजिटली होती है डिजिटली उसको कॉपी पेस्ट करना है बस बाद में एक बार देख लेंगे उसके अलावा मैं मेन्स के टाइम ये प्रस के टाइम पे अपना मैपिंग मैं क्या करता था डेली मैंने अपने ये आ, अपने टैब में मैप्स uh, डाले हुए हैं तो uh, आपको मैं uh, आप मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा तो डेली में ना मैप्स देखता था कि वर्ल्ड मैप हो गया कभी इंडिया के मैप्स हो गए क्या क्या लोकेशंस हैं कौन कौन सी हिल्स uh, हैं कौन सी रिवर्स कहाँ से फ्लो कर रही है ये बहुत हेल्प करता है फिल्म में तो ये जो आप जो ये एक घंटा है ना इसमें मैं ऐसी कोई भारी भरकम चीज़ नहीं रख रहा हूँ अपने लिए पढ़ने के लिए बट बहुत लाइट चीज़ें रख रहा हूँ और लेकिन टाइम भी यूटिलाइज कर रहा हूँ है ना मैं टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ मैपिंग देख ले रहा हूँ ऐसी चीज़ें मतलब जो ऑगजिलरी चीज़ें हैं जो हम मेन टाइम में नहीं कर सकते मैं वो चीज़ें नौ से दस के बीच में करने की करने का ट्राई करता था बट ये मेरा फिक्स नहीं था ठीक है लेकिन नॉर्मली मैं ट्राई करता था नौ से दस के बीच में ये सब चीज़ें करो तो ये मेरा टाइम था उसके अलावा टेन टू टेन थर्टी का आधा घंटे एज मैंने बोला कि फिज़िकल हेल्थ के लिए हमने कर लिया मेंटल हेल्थ के लिए क्या करेंगे तो मैं इसमें एक अपनी कोई भी बुक पढ़ता था कोई भी जो भी आपको नॉवल पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो तो मे, आ, मेरा जॉनर थोड़ा अलग है तो जैसे कि समथिंग अबाउट लाइफ या एक ही गाई हो गई जो मोटिवेटिंग टाइप की बुक्स होती हैं जहाँ आपको लगता है कि आप ट्रैक पे रह सकते हो या आपको लाइफ के बारे में बहुत चीज़ें सिखाती हैं तो वो आप पढ़ सकते हो तो मैं वो आधा घंटे का टाइम होता था, था बीस पच्चीस मिनट पढ़ के और टेन थर्टी में सो जाता था ये मेरा टाइम था इफेक्टिवली आप देखोगे आठ से नौ घंटे मैं बोल रहा हूँ आठ से नौ ही घंटे वो होते हैं टाइम टेबल दस का है लेकिन फॉलो करते करते वो आठ से नौ हो जाता है ठीक है तो यही मेरा डेली रूटीन रहता था, था आप देखोगे तो इसमें यस और ऑफिस से आके और वीकेंड्स यूज करता था बट आफ्टर कोविड जब मैं घर पे ही था कम्प्लीटली तो मेरा यही शेड्यूल रहता था घर से मैंने वही पढ़ाई की है बाकी आई बाकी ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं अगर आपको मटेरियल चाहिए या कुछ भी चाहिए दैट्स सेट आपकी कोचिंग हमेशा तो नहीं चलने वाली है ना आपकी एक फिक्स टाइम में कंप्लीट हो जाएगी तो जब जब तक आपकी कोचिंग चल रही आई थिंक थ्री तीन से चार घंटे की रहती है सर तीन घंटे की रहती है तो आ, अगर आप कोचिंग के बाद भी देखें तो आपके पास अराउंड छः घंटे तो आप निकाल सकते हैं डेली है ना तो आप अगर छः घंटे अभी मैनेज कर लेते हैं डेली जब तक आपकी कोचिंग चल रही है या किसी किसी दिन जिस दिन नहीं रहती है उस दिन आप थोड़ा स्ट्रेच कीजिए जैसे जब मैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल तो था तो जब मेरी दो सैटरडे संडे में ऑफ था तो मैं बारह बारह घंटे तेरह तेरह घंटे निकालने की कोशिश करता था मतलब करना पड़ता है अगर आपको मतलब कुछ करना है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है किसी तरह तो आप उस तरह कर सकते हैं एस yes. से के बारे में हाँ अनलकीली एस से इस बार मेरा बुचर हो चुका है बिल्कुल बट आई टेल यू बेसिक स्ट्रैटेजी है ना ऐसे uh, के लिए मैं क्या करता था मैंने बताया ना सेकंड हाफ में ऐसे के लिए ऑफ रखता सेकंड हाफ में ऑफ रखता था अपना संडे में फर्स्ट हाफ में क्या करता था uh, मैंने हैबिट बनाई थी कि मैं एक ऐसे हर संडे लिखूँगा ठीक है तो मैं एक ऐसे हर संडे लिखता था अब बात यह कि इसको इवेल्यूएट कैसे इवेल्युट कैसे कराना है तो इवेल्यूशन के लिए मैं स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड को भेज देता था, था जो मेरे पियर थे उन कैसे मैं देख लेता था तो पता चल जाता है आपस में लर्निंग हो जाती है कि अच्छा हम ये कैसे लिख रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ उसके अलावा टॉपर कॉपीज़ टॉपर कॉपीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस कि वो किस राइटिंग स्टाइल से लिख रहे हैं लिखना कैसे है तो आप कम्स तो टॉपर कॉपीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि किस तरह इससे लिखा जाता है यूपीएससी क्या डिमांड करता है ठीक है दो आ, दो टाइप के ऐसे मेजरली होते हैं जो यूपीएससी में आते हैं एक तो फिलोसफिकल जो ऐसे बोलते हैं एक होता है मेजर डिस्क्रिप्शन बेस्ड ठीक है है ना तो आप मैंने अराउंड बीस से तीस टॉपर कॉपीज पढ़ी थी इससे आप कंटेंट भी इकट्ठा कर सकते हैं मैंने टॉपर कॉपी से जो जो अच्छे कोट उन्होंने यूज़ किए थे चोरी करनी थोड़ी सीखनी पड़ेगी कॉन्टेंट की है ना तो कॉन्टेंट की चोरी करना बहुत ज़रूरी है टॉपर कॉपी से अच्छी अच्छी चीज़ें लेकिन वही चीज़ चोरी करनी है जो अपन लोग यूज़ कर सकते हैं जो आपको फिट हो रही है ऐसे टॉपर्स भी हैं जिनकी चीज़ें आपको फिट नहीं हो रही हैं आपको सुटेबल नहीं है आप नहीं कर सकते ठीक है तो आ, आप उनको रिजेक्ट करो लेकिन जो आप यूज़ कर सकते हो वो आप यूज़ करो ठीक है बीस तीस कॉपी मैंने पढ़ी थी टॉपर कॉपीज उससे आइडिया लग जाता है कि किस तरह लिखना है और कंटेंट भी बिल्ड हो जाता है क्योंकि तो ऐसे में शिकायत रहती है कि कंटेंट कैसे डालना है तो आप यहाँ से पढ़िए उससे आपकी जो फिलोसफिकल एसेज हैं इसके कॉन्टेंट्स का इसका कॉन्टेंट काफ़ी डेवलप हो जाएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन तो दो टाइप के ऐसे हैं फिलोसफिकल और डिस्क्रिप्शन बेस्ड फिलोसफिकल जो आजकल कल यूपीएससी पूछ रहा है कि समथिंग अबाउट लाइफ हैप्पीनेस कोई कोड दे दिया ठीक है तो उस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आपको कर ले वो आपको कर लेनी है मतलब आपको क्या करना है हर टाइप के ऐसे लिख के देखने इस टाइप के भी और इस टाइप के भी इससे मैं हर संडे एक ऐसे लिखता था तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे लिखना हर संडे डिस्क्रिप्शन बेस्ड जैसे कि समथिंग अबाउट वीमेन एजुकेशन समथिंग अबाउट सोशल इशूज़ तो एक स्पेसिफिक एरिया है आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बेस्ड चीज़ें ऐसे में फ्लो करानी है अच्छा ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है फ़्लो आपका कंटेंट और आइडियाज एक तो कि आपके क्या आइडियाज हैं ऐसे एक ऐसा पेपर है जिसके थ्रू एग्जामिनर आपको एग्जामिन करता है कि आपकी सोच क्या है आप क्या सोच रहे हो ठीक है वो आपके ऐसे में दिख जाता है तो आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आइडियाज़ को एक लॉजिकल मैनर में अरेंज करना है ठीक है उसके बाद कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है कंटेंट मैंने बताया ना टॉपर कॉपी से आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा कोई कोर्ट्स हो गए ठीक है तो आप वो चीजें टॉपर कॉपी से देख सकते हैं तो, एग्जांपल्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर्स में मतलब अपने ऐसे में फिर फ्लो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आइडियाज जो हैं इनको अरेंज कैसे करते हैं ऐसे नहीं कि रेंडमली एक चीज यहां लिख रहे हैं उसकी अगली चीज बाहर लिख रहे हैं कि एग्जामिनर को पढ़ के समझने में आना चाहिए वो एस इज़ ऑल अबाउट दिस ठीक है अब स्पेसिफिकली आपको एस में कोई डाउट है तो आप वो पूछिए अगर अगर आप पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना मैं 20 मिनट 25 मिनट पढ़ता था सोने से पहले तो मुझे हेल्प करती हैं चीज़ें जैसे कि अगर आप डॉक्टर कलाम सर हैं तो आ, अगर वो मतलब मेरे आइडल हैं तो मैं उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं तो उनके इतने जितने भी आइडियाज़ हैं वो मुझे ऐसे याद ही हैं तो मैं जहाँ भी मेरे को यूज़ जरूरत पड़ रही है सपोज मुझे एस, मुझे एनेकडोट देना है ऐसे लोग एनेकडोड से भी स्टार्ट करते हैं कोई एनेकडोड कोई स्टोरी से तो मैं उनका कोई एग्जांपल को एनेकडोड बना के स्टार्ट कर देता था अपना ऐसे अगर वो वहाँ से रिलेटेड है तो अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप वहाँ के आइडियाज वहाँ के थॉट डाल सकते हैं एक बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रेंकल आई वुड हाईली रिकमेंड दैट कि आप वो सब लोग पढ़ें बहुत अच्छी बुक है है ना छोटी सी बुक है बहुत, लेकिन बहुत अच्छी है और उसके मैंने काफ़ी आइडियाज़ काफ़ी कोर्ट्स यूज़ किए हैं जगह जगह है ना तो आप ऐसी कुछ कुछ जो अच्छी बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं और उनके आइडियाज़ आपके एस में आपके इथिक्स के पेपर में यूज़ हो सकते हैं माइंड वाज एंथ्रोपोलॉजी किसी का है एंथ्रोपोलॉजी ग्रेट ग्रेट नाइन आई डिडंट गेट यू कैन यू हैव माइक अच्छा ओके नहीं मैंने सेल्फ स्टडी किया था उसके बाद uh, मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी वो आई शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल कि जो 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 मैंने सोर्सेज यूज़ किए क्योंकि वो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा मेजरली वी आर डिस्कसिंग जी एस बट मैं एंथ्रो का जैसे उन्होंने पूछा थ्योरीज अबाउट चैप्टर सिक्स चैप्टर सिक्स एंथ्रो की थ्योरी वाला चैप्टर है इसमें जो जितने भी स्कॉलर्स हैं मैंने उनके बारे में अच्छे से स्टडी किया और उनके नोट्स बनाए आई विल शेयर माई नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल बहुत कॉम्प्रेंसिव बहुत अच्छे से बने हुए नोट्स हैं और मैंने उसमें तीन चार सोर्सेज रेफर किए थे गयान उपाध्याय और एक पांडे करके बुक है वो रेफर किया था उसके अलावा गूगल सर्च किया था और ई पी जी पाठशाला जो आई थिंक एन पी टी एल का इनिशियटिव है गवर्नमेंट का तो मैंने ई पी जी पाठशाला में जो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं वो लोग पढ़ाते हैं तो उस उनसे उनमें से जो कुछ नोट्स बनाए थे तो वो सब मिला के मैंने अपना ये थ्योरी वाला पोर्शन कवर किया था चैप्टर सिक्स इसमें हर स्कॉलर के बारे में मैंने कवर किया जैसे कि अगर मैं मेलिनोमस्की की बात करूं तो uh, मेलिनोमस्की के जो जो स्टडीज थी क्या क्या स्टडीज थी कैसे किया कहाँ uh, कहाँ -कहा पे फील्ड वर्क था क्या क्या चैलेंजेस आए उसके बाद क्या रिजल्ट था उस uh, मेलिनोमस्की की जो फाइंडिंग्स थी उनको किस किसने यूज़ की उसके बाद किसी और ने वहाँ पर क्या रिजल्ट uh, क्या स्टडी की तो ये सब मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था और उसके नोट्स बना लिए थे उसके बाद मैंने अपने नोट्स से रिवाइज करता था बाकी चीजें तो सोर्सेज वगैरह तो सेम ही हैं चीजें लेकिन आ, कुछ चीजें शेयर कर देता हूँ तीन से चार चीजें जो आपकी ओवरऑल फिल्म के लिए काम आएंगी इसको छोड़ना ही नहीं है ठीक है शुरू से लेके एंड तक इसको पढ़ के चलना है क्योंकि फिलिम्स के लिए स्पेसिफिकली ये ही हमारा सिलेबस है यूपीएससी ने बहुत, बहुत डिटेल में सिलेबस मेंशन नहीं किया है बहुत ओपन एंडेड सिलेबस है फिलिम्स का बट पी वाई क्यू हमारा सिलेबस है जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत बार पूछ चुका है यूपीएससी अजंता केस हर दूसरे साल पूछ रहा है कभी पद्म पानी पेंटिंग पूछ रहा है आ, कभी उसके पास की रिवर पूछ रहा है बट पूछ रहा है किसी ना किसी तरह तो अपने को वो एरियाज कवर कर लेने हैं अब जैसे इसमें मैं ना स्ट्रेटी कवर करने के लिए वट आई थिंक कि मैं सब्जेक्ट वाइज चल लेता हूँ जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री एंशंट हिस्ट्री आई थिंक वो आप पूछना चाह रहे हैं right? right? है ना कि आपने वो कैसे कवर किया uh, मैं पहले मैं लिख लेता हूँ पी वाई क्यूज कैसे करने हैं सेकेंड मटीरियल कैसे यूटिलाइज करना है और कोई चीज़ जो बची है प्रिपरेशन के, के लिए अच्छा एक और इसमें बहुत चीज एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं ठीक है मैं इसको बहुत शॉर्टली कवर करूँगा ठीक है तो पी वाई क्यूज जो करने हैं ये हमारा सिलेबस है इनको एनालाइज करके हमें वो एक एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है और पी वाई क्यूज मल्टीपल टाइम्स करने हैं दो से तीन टाइम उनके ऑप्शंस भी कवर करने हैं तो उनके ऑप्शंस में गिवन है वो भी हम लोग को पढ़ने हैं है ना तो पीवाई क्यूज को हमको ऐसे सॉल्व करना है प्लस पी वाई क्यू से हमें एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है कि से, इसमें एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है जैसे कि दो साल पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें एलिफेंट वाला क्वेश्चन था एक है ना कि फीमेल एलिफेंट जो होती है लीड होती है क्या उस क्वेश्चन में हमको उसका गेस्टेशन पीरियड रटना है नहीं रटना है तो वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड था वो क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन था बहुत लॉजिक पे बेस्ड था अगर आपने पी वाई क्यूज सॉल्व करें तो आपको पता होगा कि उसने, कि उसने उन्होंने बस एक स्वैप मारा केरला और कर्नाटका में आपको पी वाई क्यूज एनालाइज करके पता चल जाएगा कि यूपीएससी स्वैप खेलता है और अगर यूपीएससी यह स्टेटमेंट दे रहा है कि फीमेल लीड है उस उसका मतलब जो ग्रुप है तो दैट्स पॉजिटिव थिंग यूपीएससी यूपीएस नहीं बोलेगा कि मेल लीड है यूपीएससी का एजेंडा है ना मतलब तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी में ये चीज ध्यान रखनी है थोड़ा आप यूपीएससी को स्टडी करोगे ना इस तरह से तो आपको समझ में आएगा कि कहां वो गलत करा सकता है हमसे कहां चांसेस हैं गलत कराने के गेस्टेशन पीरियड नहीं रटना है ठीक है जैसे एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं कि आ, कोई हैबिटेशन हो ही नहीं सकती है ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं वो तो वेलीमिनेट हो जाते हैं वो आपको पी वाई करके समझ में आ जाएगा जब आप धीरे धीरे करोगे नाउ कमिंग टू मटीरियल तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बता दी पॉलिटी के लिए मैंने बता दी एंशंट के लिए आर एस शर्मा कुछ लोग फॉलो करते हैं तो मेरे पास आर एस शर्मा के नोट्स थे बाय वन टॉपर तुषार गर्ग 2017 थाउजेंड सेवनटीन बैच आईपीएस हैं अभी तो उनके नोट्स मैंने फॉलो किए थे मैंने क्या किया था उन्होंने अपने एवर नोट नोट्स शेयर किए थे तो मैंने वो अपने एवर नोट में डाल के और उसमें ही खुद से एडिशन कर दिया था तो वो कॉम्प्रीहसि नोट्स हैं मैं वो शेयर कर दूंगा आप वो लोग यूज़ कर सकते हैं एज़ इट इज़ आर एस शर्मा से बने हुए हैं या आप ख़ुद के नोट्स बना सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे हर चीज़ के लिए खुद के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है लाइक मैंने भी कुछ कुछ जहाँ से जो अच्छा मिल रहा है सीधी सी बात है जहाँ से जो अच्छा मिल रहा है आप ले सकते हैं किसी टॉपर का कुछ अच्छा लग रहा है ले लो नहीं अच्छा लग रहा है रिजेक्ट कर दो कोई इशू नहीं है ठीक है उसके अलावा मिडाइवल मिडाइवल में क्लास सेवन की एन है ना और उसके अलावा एक क्लास ट्वेल्थ की एन है और तमिलनाडु बोर्ड की एक छोटी सी बुक है तो मिडाइवल मैंने और वहाँ से कवर किया था बाकी मिडाइवल में मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया था बस तो तो उतने क्वेश्चन आते नहीं है ठीक है आर्ट एंड कल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए प्रीफर्ड सोर्स जो होता है सबका नितिन सिंघानिया होता है है ना बट नितिन सिंघानिया बहुत बल्कि बुक है तो उसके लिए क्या करना होता है आ, उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने होते हैं पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है ठीक है अगेन इसमें भी मैंने टेक्निक लगाई स्कल्पचर वाला चैप्टर तो जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है वो तो आप पूरा पूरा पढ़ लेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ लेंगे पूरा पूरा ठीक है उसके बाद क्या होता है डांस है डांस म्यूजिक थिएटर इस टाइप के चैप्टर्स हैं मेजर जो सिक्स क्लासिकल डांस हैं, वो तो आप पढ़, पढ़ लो ठीक है उसके बाद मैंने क्या किया था अगेन इसमें ना ऐसे अगेन इंडिया का मैप मैंने यूज किया जिस स्टेट का जो जो डांस है होता है जो फेमस डांस है वो मैंने मैप पे अपलोड किया एंड आई एम डन, मेरे को बुक नहीं उठानी वापस से एक पेज में कवर हो गया सेम म्यूजिक जिस स्टेट में कौन सा म्यूजिक फ्लो होता है सेम मैप पे अपलोड किया वापस से बुक ही नहीं उठानी है अब ठीक है वो कवर हो चुका है सिर्फ जो ये छह डांस हैं क्लासिकल डांस ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं तो आप इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं या बुक से दोबारा उठा के देख सकते हैं अदरवाइज मैप पे हो गया नहीं करना है हम दोबारा से नहीं करना है सेम थिएटर म्यूजिक सब के लिए ऐसे जो जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं आप देख सकते हैं पेंटिंग्स है नहीं, नहीं नहीं आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आ, जैसे कि मतलब म्यूजिक है तो अब वो स्टेट वाइज है अब थोड़ा बहुत एक बार देख सकते हो लेकिन उसके बाद वो आप उसको मैप पे अपलॉट कर लो अगर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे एमपी में एक होता है आई डोंट रिमेम्बर क्या नाम है उसका बट वो हार्वेस्ट डांस होता है आफ्टर हार्वेस्ट होते हैं मेजरली जो म्यूजिक है ना वो आफ्टर हार्वेस्ट या हार्वेस्ट रिलेटेड ही है इंडिया में ठीक है तो आप वो एक छोटा सा लिख लो छुटकुट सा उसके आगे ऐसे ब्रैकेट में डाल के बट ऐसे इतना क्योंकि आप वेटेज देखो उतना वेटेज नहीं है यूपीएससी बहुत कम पूछ रहा है यहाँ से हमें इनपुट आउटपुट के हिसाब से पढ़ाई करनी है कि कितना इनपुट हम डालेंगे तो आउटपुट मिलेगा मेजरली स्कल्पचर वाला चैप्टर जो है ये स्कल्पचर पेंटिंग्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको कॉम्प्रिहेंसिवली कर लेना है बाकी एक आध पेज के नोट्स बना के मैप पे प्लॉट करके तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपना वर्क रिड्यूस कर सकते हैं मैप पे प्लॉट करके है ना उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर हो गया हिस्ट्री हो गया नाउ कमिंग टू जोग्राफी जोग्रफी में एलेवन ट्वेल्थ क्लास की एन है मैंने वही फॉलो की थी यूट्यूब पे एक राजनील मैम के राज सनील मैम आई आर एस आई गेस फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड रैंक थी उनकी आ, तो आ, उनके वीडियोस हैं तो बहुत पुराने वीडियोस हैं अराउंड पाँच छः साल पहले लेकिन बहुत अच्छे वीडियोस हैं वो तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो आ, अपने वो आ, अपने जोग्राफी आफ्टर एलेवन ट्वेल्थ एन कुछ लोग जिस रिकमेंड करते हैं बट पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगती है ना काफ़ी बल्कि है तो मैं बहुत मिनिमम uh, एफर्ट पे काम करता हूँ कम एफर्ट लगे आउटपुट ज़्यादा मिले तो वो वाली चीज़ है ठीक है राजस्थानील मैम के uh, वो कुछ वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं सारे नहीं बोलूंगा बट कुछ वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं तो आप वहाँ से अपनी फिजिकल जोग्राफ़ी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं और एलेवेंथ और ट्वेल्थ की एन सी हो गया हिस्ट्री हो गया पॉलिटी हो गया नाउ कमिंग टू इकोनॉमी इकोनॉमी के मार्केट में तीन चार सोर्सेज अवेलेबल हैं जोन सा भी आपको अच्छा लगे जिसमें भी आप कर सकते हो वो आप फॉलो करें ठीक है और एक कोई एक ही सोर्स करें और उसके सप्लीमेंट कर लें उसको करंट अफेयर्स से करंट अफेयर्स के भी कोई भी बुकलेट जो भी आप फॉलो करते हो उसके क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप वो फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा साइंस एंड टेक साइंस एंड टेक आई वुड रिकमेंड कि ट्वेल्थ क्लास की एक एनसीआर है बायो की उसमें चैप्टर नंबर थर्टीन टू सिक्सटीन जो बायो के हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ लेने चाहिए यू बहुत बार उससे क्वेश्चन पूछ चुका है और वो काफ़ी अच्छी एन है काफ़ी समराइज़ किया हुआ है स्पेशली जो बायो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो वहाँ से कवर हो जाता है उसके अलावा अगर आपको लगता है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप एन की समरीज आजकल अवेलेबल होती है बाय कोचिंग कोचिंगस्टीट्यूट तो आप वो फॉलो कर सकते हैं और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज़ कर सकते हैं उसके अलावा मेजरली साइंस एंड टेक के लिए आपको जो कंपाइलेशन होता है ईयरली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का वो कर लेना चाहिए ठीक है नाउ अच्छा अब ना फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है वो है मैपिंग एंड आई अभी जो ट्रेंड चल रहा है आप देखेंगे फिल्म में आई एंड मैपिंग से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट ईयर भी आई थिंक तीन से चार क्वेश्चन आई के थे जिसमें वो प्लेसिस इन न्यूज या कहाँ क्या हो रहा है ये सब कवर कर रहे हैं किस सिटी से जो मेजर मेजर सिटीज़ हैं पेरिस है बर्लिन है, है कौन सी रिवर फ्लो कर रही है ब्लैक सी कहाँ है मेडिटेरन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज सॉरी हाँ बॉर्डर्स ठीक है मेडिटेरन सी के बॉर्डरिंग नेशंस कौन से हैं लास्ट ईयर लेवान रीजन पूछा था लेवान रीजन कौन सा है तो जो आई आर के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू मैपिंग रिलेटेड टू ब्लैक सी और ये सब चीज़ें जैसे कि अगर हम लोग इस साल देखें तो मिडिल ईस्ट काफ़ी न्यूज़ में रहा है और वेजिटेरियन सी हमेशा न्यूज़ में रहता है ऊपर ब्लैक सीबी न्यूज में है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ठीक है तो हाई चांसेस हैं कि यू पी वहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछेगा ठीक yeah. है तो आई को हमको इस परस्पेक्टिस से कवर करना है जो मैंने बताया कि मैं रात को नौ से दस में मैपिंग वगैरह देख लेता था तो वो यही सब चीज़ें होती थी अच्छा यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंशन करूँगा ये

ओके okay, ग्रेट तो उनके इन ट्वेंटी ट्वेंटी जब मेरा पहला अटैम्प था तो उनके जो मैपिंग uh, के वीडियोस थे मैंने एंटायरली उन्हें फॉलो किया था चार से पांच वीडियो उन्होंने बनाए थे बहुत अच्छे से मैपिंग कवर किया था अभी भी हैं वो और तीन साल बाद भी वो सेम चीज़ काम कर रहे हैं सेम हेल्प कर रहे हैं वो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया तो इस टाइप के आई थिंक ट्वेंटी सीरीज़ भी आई थी और 2022 का आई नॉट हैव एन आइडिया कि आई है कि नहीं आई है तो ये आ, ये दोनों सीरीज थी मैपिंग की ये मैंने इंटायरली ओनलीस में फॉलो किया था तो ये काफ़ी अच्छी आ, मैपिंग है आपकी रिविज़न हो जाती है और आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि कौन सी चीज़ें न्यूज़ में है थी हम हम लोग बहुत ज़्यादा खुद पर काम नहीं कर सकते बट तो, देर आर पीपल जो हमारे लिए काम कर रहे हैं हमारे लिए वो चीज़ें ईजी बना रहे हैं ठीक है हमको सिर्फ उन्हें देख लेना है और ये चीज़ यहाँ से कवर कर लेनी है

उट अभी अभी टाइम है ठीक है तो इंटरव्यू अभी मैं नहीं करूँगा है, है। ठीक no अब आती है नेक्स्ट चीज टेस्ट सीरीज ठीक है तो टेस्ट सीरीज को एक तो दिल पे नहीं लेना है ठीक है है ना? बिल्कुल दिल पे नहीं लेना है कि अभी भी आज सुबह भी मैं अपने दो मेरे दो फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हुआ तो किसी ने टेस्ट दिया और दिल पे ले लिया तो अभी दो दिन फिल्म के बचे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ठीक है डिफरेंट होता है पेपर टेस्ट सीरीज़ का और यू का हालांकि कुछ टेस्ट होते हैं जो क्लोज टू यू होते हैं ठीक है तो आप वो देख सकते हो टेस्ट सीरीज कोई भी आप टेस्ट सीरीज जो भी मार्केट में अच्छी अवेलेबल हो जहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हो वो आप फॉलो कर सकते हैं और दे सकते हैं अपना टाइमली वैल्यूशन कर सकते हैं पहले आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए आप देख लीजिए आपकी सब्जेक्ट में वीक हैं तो उसके और सेक्शनल टेक्स दीजिए फिर फुल लेंथ दीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा अच्छा इससे आपका यह भी डिसाइड होगा कि आप कितने क्वेश्चन करने में कम्फर्टेबल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं एग्जामिनेशन में सबका अलग अलग रहता है सेवेंटी क्वेश्चन करके भी लोग क्रैक करते हैं सेवेंटी फाइव भी एट्टी करके भी नाइन्टी करके भी नाइन्टी फाइव करके भी ठीक है तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया है आपको देखना है कि आप कितने सही करते हैं कितने गलत करते हैं ठीक है आ, मेरा रहता था नाइन्टी प्लस नाइन्टी प्लस करता था ठीक है अराउंड नाइन्टी रहता था मेरा फर्स्ट uh, अटैम्प्ट में अराउंड एटी नाइन ठीक है सेकेंड में नाइन्टी uh, टू और थर्ड अटैम्प्ट में नाइन्टी फोर ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे बट आई अगेन से इट डिपेंड्स कम्पलीटली ऑन यू तो मेरा कुछ फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे फॉलो कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में कम्फर्टेबल हैं वो आप अपने टेस्ट सीरीज से एनालाइज कर लीजिए ठीक है मेरा लॉजिक मैं बता देता हूँ अटैम्प्ट करने का क्या था नाइन्टी तो मेरा सीधा लॉजिक था सिक्सटी थर्टी कि अगर साठ ठीक हुए तीस गलत हुए तो सौ नंबर आएंगे अंदर हो जाऊँगा ठीक है सिंपल ठीक है कोई कोई वो नहीं है है ना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें तो मेरा लॉजिक ये रहता था टू एस टू वन का कि अगर इतने तो हुआ तो ये मिनिमम मेरा बेयर बेर रहता था कि सो तो लाना ही है इतना तो मिनिमम जाना है टारगेट अच्छा मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि आप जब फिल्म की पढ़ाई करें तो हमेशा वन टेन टारगेट करें हंड्रेड एंड टेन कभी भी हंड्रेड टारगेट मत करें क्योंकि मैंने देखा है कि लोग हंड्रेड टारगेट करते हैं पढ़ाई 100, उस लेवल की करते हैं तो फिर हंड्रेड से वो नाइन्टी हो जाता है एट्टी फाइव हो जाता है तो दिक्कत होती है तो आप पहले ही वन टेन टारगेट करेंगे तो अगर चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में ऊपर नीचे हो जाती हैं यू पी एस सी बाउंसर फेंकता है प्रेशर होता है ठीक है आसपास का एन्वायरमेंट कई बार ठीक नहीं होता आ, आ, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं पंखा नहीं चल रहा है गर्मी बहुत है तो उतनी इफिशेंसी नहीं आ रही है मतलब नहीं लगा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं तो उसके लिए से आप एक की तैयारी करें मतलब अपनी तैयारी थोड़ा उस लेवल की रखें कि मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं बिल्कुल बॉर्डर पर क्रॉस करने का ना सोचें थोड़ा ज़्यादा करें टेस्ट सीरीज को आप एनालाइज कर सकते हैं जब आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो उसको एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पे वीक हैं पॉलिटी में वीक हैं एनवायरनमेंट में वीक हैं फिर आप उसके सेक्शनल टेस्ट दीजिए और सेक्शनल टेस्ट में अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं देन फिर यू कैन गो फॉर फुल लेंथ ठीक है तो टेस्ट सीरीज़ को ऐसे लेके चलना है बाकी दिल से नहीं लेना है टेस्ट सीरीज को आई रिमेंबर कोई तो अच्छा मैंने टेस्ट सीरीज़ में एक चीज़ बतानी है कि ऑल इंडिया वाले टेस्ट बहुत सारे होते हैं अच्छी अच्छी जगह के होते हैं ऑल इंडिया तो ये ज़रूर देने चाहिए मैं ये बहुत देता था से क्या होता है कि आप कोई एक कोचिंग के सारे फुल लेंथ दे लोगे तो मज़ा आना बंद हो जाता है दो तीन तो अच्छे होते हैं उसके बाद अच्छा नहीं होता तो आप ना ऑल इंडिया वाले फॉलो करो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह के आपको पता चलेगा अलग अलग जगह के कि सपोज यहाँ का दे दिया कहीं और का दे दिया ऑल इंडिया वाला तो ये काफ़ी अच्छे टेस्ट होते हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ठीक है तो आप ये जब आप फुल लेंथ दो तो आप इनमें ट्राई करना ये काफ़ी अच्छे होते हैं इसके अलावा आई थिंक

हेलो सर हेलो सर यस हेलो सर इंटरव्यू के लिए तो अभी टाइम है लेकिन वे कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो अभी से हमें बिल्ड करनी है आप अपना थोड़ा सा सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दे सकते हैं ठीक है जैसे कि कई बार कैसा होता है कि हम बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं ठीक है आइसोलेशन में चले जाते हैं तो फिर सोशल स्किल्स बचती नहीं है हमारी दो तीन साल बाद मैंने देखा है लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको बोलते नहीं बनता है ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है तो मैं तभी बोल रहा हूँ ना बीच में जैसे आप दस बीस मिनट गप्पे शप्पे मार रहे हैं दोस्तों के साथ तो ह्यूमर आप में ह्यूमर रहता है है ना तो आपका दिमाग चलता रहता है कि चल ये चल रहा है वो चल रहा है तो वो आस पास की चीज़ों का पता रहना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है तो उससे आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होगी उसके अलावा बाकी आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और जो बुक्स मैंने बताई ना 20 मिनट आप बुक्स पढ़ोगे वो बहुत हेल्प करती है इंटरव्यू में आपको पता होता है कि किस टाइप के आइडियाज़ हैं क्या आप प्रेजेंट कर सकते हो ठीक है तो अभी तो फिलहाल आप इंटरव्यू के लिए यही कर सकते हो अपने पीयर ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो तो उससे भी आपकी स्किल्स डेवलप होंगी उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि आपको भी इंटरव्यू के लिए सोचना चाहिए बाकी क्योंकि सफिशियंट टाइम मिलता है आफ्टर मीन्स तीन चार महीने पांच महीने का गैप रहता है कभी कभी छह महीने भी हो जाता है तो आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है हाँ वन सेकेंड हाँ एल अपलोड इट एक्चुअली आई मीन सर्विस तो अभी मैं एक वीक की लीव पर हूँ तो आई वल बी गोइंग बैक टू पांडीचैरी में पाण्डिचैरी तो होपफली जल्दी ही मैं अपलोड कर दूँगा फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार डॉट एम ई आई ए एस डी डब्ल्यू आई जे जी एल क्लियर है सबको बाकी मैं लिंक्स सर को दे दूंगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आई एस गोयल आप वैसे भी सर्च करेंगे तो ये गेट तो यू विल यूलैक्ट लिंक और क्यूआर कोड वगैरह भी आपको दे देंगे आई दे शेयर ताकि आई विल बी शेयरिंग फॉर एंथ्रोपोलॉजी एज वेल जैसे कि आई थिंक सबने पूछा है एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा थोड़े टाइम में आई गॉट थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन इन एंथ्रो तो ठीक है आई थिंक विच इज़ अ वेरी डीसेंट स्कोर। ठीक है तो आई आई शेयर इट्स अदर डेफुली इट वॉज ए वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन बहुत कम डाउट्स आए आपकी तरफ से बट एक्चुअल में आप देखो तो, तो सर ने एंड टू एंड सारे आस्पेक्ट्स ही कवर कर दिए आपको जो क्लैरिटी मिलेगी ना मतलब हो सकता है शायद आप फ्रेशर हो अभी शुरू कर रहे हो तो आपको अभी इस वीडियो की अहमियत नहीं पता चले उतनी टाइम एंड अगेन आप ये वीडियो बार बार देखेंगे तो यू विल रियलाइज द इम्पोटेंस ऑफ इट सर ने कितनी ईजिली समझाया कि सब कुछ कितना आसान है बट लुक एट द अप्रोच पॉलिटी में आंसर कैसे लिखना है मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे लिखना है आई किस तरह से डील करना है इंटरनल सिक्योरिटी कैसे पढ़ना है एक एक चीज की क्लैरिटी ऑल्सो सेवस का एक एक पॉइंट दिमाग में उसी स्ट्रक्चर में फिट है पूरा है ना स ऑफ रीडिंग से हम कर सकते हैं again, तरने एक और पॉइंट बताया मतलब yes, yes, इससे mm -hmm. तो हम लोग कराते रहते हैं उन सबका भी करना है uh, right. uh, yeah, दोबारा आप से आपकी गाइडेंस के लिए uh, तब, uh, मतलब, really, thankful, थैंक यू सो मच तो इसी के साथ वी आर एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच